दोस्तों, जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में जो डिसाइड कर पाते हैं उसको अचीव कर पाते हैं। मैक्सिमम लोग आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जिंदगी में डिसाइड तो कर लेते हैं कि यार हमको सिविल सर्विसेज निकालना है, या फिर हम लोगों को कोई पर्टिकुलर पोस्ट पर जाना है, या कोई पर्टिकुलर बिजनेस करना है, कुछ भी बोल लो आप लोग यहाँ पर। लेकिन रियलिटी में अचीव पता है कौन कर पाते हैं? जो उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी क्यों ना पड़े वो करने के लिए तैयार रहे, वो मेहनत से ना बचे यार। जिस इंसान ने एक बार ये चीज अपनी जिंदगी में उतार ली ना, उसके सामने आप लोग कुछ भी ला कर रख दो, वो इंसान झंडे गाड़ेगा ही गाड़ेगा। उसको बता दो बस एक बार कि इतना काम करने के बाद में तुमको ये पोस्ट मिल जाएगी, यानी कि इतनी किताबें पढ़ लो तुमको ये पोस्ट मिल जाएगी, फिर देखो वो इंसान किस तरीके से बेलगाम घोड़े की तरीके से अपना काम करता है। पर लेकिन 99% लोग पता है कैसे होते हैं, वो मरमर के जी रहे होते हैं। अच्छा यार ये भी करना पड़ेगा, ये भी होगा, ऐसा करना है, मतलब पहले से ही रोते रहते हैं। और फिर क्या होता है, वो पूरी जिंदगी रोते ही रहते हैं। तो इसलिए जिंदगी में अगर कोई चीज पानी है तो इतना जोश उसके अंदर में लगा दो, इतना जोर लगा दो कि एक बार को ये देखे कि इसके अलावा जिंदगी में कुछ है ही नहीं है, और उसको अचीव करने के बाद में फिर जिंदगी का मजे लो, फिर अपने हिसाब से जिंदगी जियो यार। तो ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग जैसे जैसे एग्जाम पास में आते हैं वैसे वैसे ऐसे मैसेज ऐसे मेल आने स्टार्ट हो जाते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा क्या करे, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। ये सारी चीजें बड़ी नॉर्मल है यार, हर एक इंसान की जिंदगी में होती है। इसी को डील करने को लाइफ कहते हैं, इसी को आप लोगों को साइड में रख के अपना काम करना है। आप लोग खुद सोचो, आज पूरे दिन से पढ़ाई नहीं हुई है, ठीक है, शाम को बैठकर अगर एक तरीके से फिर भी पढ़ाई नहीं करेगी पूरे दिन तो ही नहीं, अभी नहीं करे, फिर आप घूमने फिरने निकल गए या फिर कुछ भी करने लग गए कि मूड फ्रेश कर लेते हैं। मूड फ्रेश क्या करना है यार, पूरे दिन से तो पढ़ाई नहीं करे, मूड फ्रेश कर रहे हो, बैठ के पढ़ाई कर लो, एक टेस्ट लगा लो, बैठ के वही चैप्टर कवर कर लो, किसी चीज का रिविजन कर लो बैठ के, और फिर उसके बाद में देखना आप लोग कॉन्फिडेंट आएगा। पर लेकिन अगर आप लोग ये सारी चीजें नहीं करोगे तो फिर इससे ज्यादा डिमोटिवेट फील करोगे, कॉन्फिडेंस तो दूर गया। तो मतलब कॉन्फिडेंस काम करके लाओ, काम जितना अच्छा होगा, जितने पंक्चुअल रहोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप रहेगा, मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप की बातें बेसिकली गई होंगी दिमाग में, और वीडियो स्टार्ट होगी एंड तक खत्म कर कर ही उठना है। एक महीने का पूरा करंट अफेयर रहता है एक वीडियो के अंदर में, यानी कि बैठ के तीन तीन चार चार बार देख रहे हो, फिर से इसका रिविजन कर लेना एक दो बार बैठ के, बस काम खत्म हो गया। कंप्लीट सितंबर करंट अफेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा, हर एक एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाते हैं क्योंकि करंट अफेयर है तो कहीं भी पूछा जा सकता है, कहीं थोड़ा डिटेल में और कहीं थोड़ा ऊपर से। तो अच्छे से कवर करेंगे एक ही वीडियो में, धांसू तरीके से सारी चीजें आप लोग यहां पर कवर होती नजर आएगी। तो इसलिए टकटकी लगाकर देखना, होने के मूवी देखने बैठते हैं एक बार खत्म करके उठेंगे तो उसी वाले पैटर्न में रहना और अच्छे से वीडियो को एंजॉय करना, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल लवर फैमिली। अच्छा एक बात और छोटी सी, जैसे मुकाम पर फिलहाल आप लोग आ गए हो, अब आप लोगों को टेस्ट सीरीज लगानी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो पेड टेस्ट सीरीज भी है और फ्री टेस्ट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग उनको देख सकते हैं। यहां पर आप लोगों को बेसिकली एक सेकेंड, ये देखिए यहां पर ये सारी टेस्ट सीरीज है, तो आप लोग जाकर इनको एंजॉय कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और फ्री टेस्ट भी है, इनको भी आप लोग देख सकते हो अच्छे सिस्टमेटिक वे में, अपनी प्रिपरेशन को सीरियस होकर लेकर चलो। और बाकी अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए यहां पर कई सारी क्लासेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जिनको आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर अपने आप को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। कोई भी क्लास कब ज्वाइन करनी है, तब ज्वाइन करनी है जब एक बार डेमो लेक्चर देख लो, तो तभी आप लोग उसको ज्वाइन करिए, इससे पता रहेगा कि किस तरीके के टीचर यहां पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी कहीं भी पैसा लगाना है तो तभी करना। और दूसरी बात, अगर क्लास ज्वाइन कर ली है तो 7 दिन के अंदर अंदर पैसा रिफंड होता है, तो आप लोगों को लग रहा है कि हाँ यार कि मजा नहीं आ रहा है, तो आप लोग पैसा रिफंड ले सकते हैं, ये पॉलिसी भी है। रीजन क्या है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा जो है अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई जो है उसको किसी भी तरीके से वैसे ही बेकार करे। तो वहां पर अगर लग रहा है कि हाँ पूरे वीक में देखकर लेक्चर की हाँ यार सही है तो ही आगे बढ़ो, नहीं तो अपना चीजें देखो कि हाँ यार ऑल्टरनेटिव क्या किया जा सकता है। ये एक बेसिक कोर्स है, दूसरे किसी भी एग्जाम को आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो इसके अंदर टोटल मिलाकर 16 सब्जेक्ट है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। कोई ओल्ड स्टूडेंट है वो यहां पर इसको जाकर, उसको डिस्काउंट है ओल्ड स्टूडेंट के लिए, तो अपना डिस्काउंट ले लेना, सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आइए अब आगे बढ़ेंगे सिस्टमेटिक वे में। सबसे पहले हम लोग वो पोर्शन कवर करेंगे जिसमें आप लोगों को कई सारे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे अवार्ड वगैरह हो गए, रिपोर्ट्स या फिर इंडेक्स वगैरह हो गए, तो इसमें आप लोग कई सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो न्यूज है ये यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में जिसका नाम है MS स्वामीनाथन अवार्ड। तो काफी इंपोर्टेंट ये अवार्ड है और इसके ऊपर आप लोग स्टार भी लगा लेना अब की बार। रीजन क्या है,
जो बेसिकली आप लोगों को पता है कि एमएस स्वामीनाथन जी जो हैं वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस यहां पर बढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमारे देश के डॉक्टर साइंटिस्ट जिनका नाम आप लोग याद रखेगा पीवी सत्यनारायण जी, इनको एमएस स्वामीनाथन अवार्ड से इनको नवाजा गया। एमएस स्वामीनाथन जो है ये हमारे देश के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या एग्रीकल्चर पितामह भी आप लोग इनको बोल सकते हैं। अभी हमारे बीच में यहां पर ये नहीं रहे, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा इनकी बेसिकली डेथ हुई, तो इसकी वजह से यहां पर और इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पर। ठीक है, तो इनके द्वारा जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो जो भी कोई लाइफ कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर एग्रीकल्चर के फील्ड में देता है उनको ये अवार्ड नॉर्मली देखने को मिलता है। तो इनका नाम जो है आप लोग याद रखिएगा और यहां पर भी ये बातें याद रखते हैं। तो इसके बारे में 2004 से ये अवार्ड जो है वो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट यहां पर जो अवार्ड दिए गए हैं ये है वाहिदा रहमान, तो इनका नाम आप लोगों को पता ही है, इनको भी दादा साहब फाल्के अवार्ड से यहां पर नवाजा गया। ये काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, आप लोग हाईएस्ट अवार्ड बोल सकते हो हमारे देश में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड यहां पर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इंडियन सिनेमा में इनका है, तो इसके चलते यहां पर ये अवार्ड दिया गया। दादा साहब फाल्के जो थे उन्होंने पहली फिल्म जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र 1913 में यहां पर पहली फीचर फिल्म हमारी देखने को मिली थी जो फाल्के साहब के द्वारा बनाई गई थी, तो इसलिए यहां पर इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोलते हैं। तो ये कोई भी इंसान ना, अगर कोई इंसान कुछ काम करना स्टार्ट करता है और फिर दुनिया उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देती है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जिसने पहली बार चीजें स्टार्ट की थी उसका नाम जो है सबसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के, इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। और भी कई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिनको ये अवार्ड मिले हैं, जैसे कि आप लोग यहां पर देखते हैं बहुत सारे नाम भी आप लोगों के सामने यहां पर। इससे पहले 2020 में यहां पर दिया गया था, इनका भी नाम आप लोग याद रखते हैं, रजनीकांत साहब को 19 में, अमिताभ बच्चन साहब को दिया गया। तो ये कई सारे नाम हैं जो अलग अलग आप लोगों से अगर पूछे जाए पर्सन इन न्यूज के हिसाब से, तो हल्का सा आइडिया एटलीस्ट आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। ठीक है, यहां पर बात की जा रही है काफी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में, और ये एक रिपोर्ट ऐसी थी जो कि वो काफी ज्यादा हाहुल्ला करके गई देश के अंदर में। हमारे देश के अंदर में अभी बुजुर्ग की पॉपुलेशन जो है बोला गया है 2050 तक का 20% हमारी जो पॉपुलेशन है वो बुजुर्ग हो जाएगी। मतलब कहने का यहां पर यह था कि आने वाले टाइम पर एक काफी बड़ा बर्डन पड़ने वाला है बुजुर्ग पॉपुलेशन का हमारे देश के ऊपर में। तो इंपॉर्टेंट बात यह थी कि कैसे हम लोग आने वाले टाइम में बुजुर्ग पॉपुलेशन के लिए अपनी स्कीम वगैरह लेकर आए ताकि उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। अभी यहां पर एक और खुलासा करने वाली बात इसके अंदर में ये थी खबर के अंदर में कि जो महिलाएं हैं वो ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहती हैं एज कंपेयर टू पुरुष के। तो ये बोला गया कि आने वाले टाइम में महिलाएं ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगी एज कंपेयर टू पुरुष के अगर ये चीजें ऐसे ही चलती रही यहां पर। तो इसके चलते यहां पर ये कुछ डेटा सामने रखा गया। तो यहां पर इंडिया एजिंग रिपोर्ट, ये आप लोग याद रखिएगा यहां पर कि हमारे देश के अंदर में जो जो लोगों की एज बढ़ रही है, तो उसके लिए यहां पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कौन प्रस्तुत करता है इसको? तो इसको करता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसके द्वारा ये प्रस्तुत की गई है। तो रिपोर्ट का नाम, कौन प्रस्तुत करता है और क्या क्या उसके अंदर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है, ये डायरेक्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर बना देते हैं। तो डेकेडल ग्रोथ जो है वो 41% बताई गई है, अभी डबल बताया गया है 2050 तक का हमारी जो बुजुर्ग पॉपुलेशन होगी, 2046 तक का एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो सरपास कर देगी जो बच्चों की पॉपुलेशन को। यानी कि फिलहाल बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, फिर हमारे देश में बुजुर्ग ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहां पर पॉपुलेशन जो है 80+ जो है आज के डेट में वो ग्रो करेगा, रेट यहां पर उनकी लगभग 279% से आगे आने वाले टाइम में। यानी कि आज की डेट में खुद आप लोग देख लो आपकी एज क्या है और उसके बेस पर देख लो कि आने वाले टाइम में एज क्या होगी, तो उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए मैं हालांकि ये चीज पूछनी सही नहीं रहती है, चलिए छोड़िए, मैं पूछना चाह रहा था कि किसनी एज के जो है बेसिकली लेक्चर कौन कौन देख रहा है, तो ये सही नहीं रहता है, चलो कोई नहीं। आप लोग ये बताइए कि अपना अगर बात करें आपके घर में कोई भी अगर जैसे दादा दादी है उनकी एज कितनी है, अगर आप लोग देखो ठीक है, तो आपके घर में दादा दादी या नाना नानी उनकी एज देखना फिलहाल के टाइम पे कितनी है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में क्या 10-20 साल तक वो रहने वाले, अपने मम्मी पापा की एज देखना, आप लोग उनकी एज देखना आने वाले 10-20 साल में उनकी एज क्या होने वाली है, तो उससे अंदाजा लग जाएगा आप लोगों को, ये चीजें आप लोग समझ पाओगे। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड बोलते हैं 1969 में इसको क्रिएट किया गया था ताकि दुनिया भर के कई सारे एरिया में ये काम कर सके, खासकर हेल्थ हो गया। ठीक है, ये खासकर एक तरीके से पॉपुलेशन के बारे में इस तरीके से मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, फैमिली प्लानिंग, मैटरनल डेथ के बारे में बात की जाती है, कैसे रोका जा सकता है, या फिर जेंडर बेस्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो बहुत सारे एरिया में ये काम करना ये बेसिकली काम करता है ताकि लोगों को अवेयर कराया जा सके। ठीक है,
तो बेसिक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। इंडिया की जो रैंक है वो 40 देखने को मिली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तो ये एक तरीके से बताता है कितने इनोवेटिव हैं हम। तो ये जो इंडेक्स है इसमें 13वें साल में यहां पर जो टॉप पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है 13th ईयर इन द रो, वो है स्विट्जरलैंड। मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी के तौर पर उसको यहां पर देखने को मिला। स्विट्जरलैंड का जब भी नाम याद आता है ना, मतलब डिस्कस में आता है, डिस्कशन करते हैं, तो मुझे हमेशा एक चीज याद आती है, स्विट्जरलैंड वो कंट्री है जब उनको पूछा गया स्विट्जरलैंड के लोगों को कि क्या आप लोग चाहते हो कि आज की डेट से आप लोगों को जो है फ्री जो एक तरीके से ना सर्विस प्रोवाइड कराया जाए, बेसिक मिनिमम इनकम प्रोवाइड कराया जाए, सब लोगों ने एक साइड से मना कर दिया। हमारे देश में बोलकर देखो किसी को फ्री में आप लोगों को बेसिकली इतने पैसे मिलने चाहिए, चीजें मिलनी चाहिए, शायद ही कोई इंसान मना करेगा। और इलेक्शन में ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली जाती है। तो जब लोग मेहनत के ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये चीजें आती हैं, ठीक है। इसलिए स्विट्जरलैंड दुनिया में सबसे अमीर देश है। ये चीजें पाकिस्तान में जाके पूछो आप लोग, ये आप लोग देखना सारे टूट कर पड़ेंगे। तो ये चीजें आप लोग अंडरस्टैंड करनी है। इंडिया जो है वो 14th रैंक आउट ऑफ द 132 आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये याद रखिएगा। तो यहां पर ये 13th स्विट्जरलैंड जो टॉप पर है 13 बार, इसी के साथ में यहां पर चाइना जो है 12th है इसकी बार, अब की बार की रैंक अगर आप लोग देखोगे, ठीक है। बाकी जो इसके आसपास वाले देश हैं वो अच्छे खासे, जैसे कि आयरलैंड हो गया, ये यहां पर आइसलैंड हो गया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिया जो है वो टॉप रैंक अगर बात करेंगे यहां पर सेंट्रल और सदर्न एशियन रीजन में हमारी टॉप रैंक है। एनुअल रैंकिंग जो है यहां पर ये प्रस्तुत की जाती है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी INSEAD के द्वारा, और इसी के साथ में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहली बार स्टार्ट की गई थी 2007 में। थीम क्या है यहां पर, ये है इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। अभी COVID-19 आया, उसके बाद में रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई, फिर इसराइल और जो बेसिकली हमास और फलस्तीन वाला मुद्दा देखने को मिला। तो ये ऐसी अनसर्टेनिटी चल रही है जिसकी कुछ हद नहीं है, और उसके बीच में भी यहां पर आप लोग इनोवेटिव इकोनॉमी लेकर आ रहे हो, तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है, ठीक है। टॉप 10 कंट्री कौन है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, सिंगापुर, फिनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये टॉप 10 कंट्री का नाम आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा अवार्ड है जिसने काफी ज्यादा हाहुल्ला आपकी बार किया। बात की जा रही है CSIR के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिसको यहां पर भटनागर अवार्ड बोलते हैं, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। CSIR जो है हमारे देश की एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहां पर ये अवार्ड प्रस्तुत करती है। तो अब की बार इस अवार्ड को एक साल डिले कर दिया गया, और इवन ये भी बोला गया कि इसके अंदर में जो प्राइज दिया जाता है उसको भी यहां पर कम किया जा रहा है, या फिर कई सारे तो ये बोले कि उसको ना ही दिया जाए, यानी कि एक तरीके से अवार्ड का जो मनी है वो एक तरीके से मना की जा रही है देने की, ताकि बस जैसे भारत रत्न होता है नहीं हमारे देश के अंदर में तो पैसा नहीं मिलता है, तो उस तरीके से यहां पर बातें की जा रही है। तो शांति स्वरूप भटनागर ये एक प्राइज है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्टेब्लिश किया गया था 1957 में। हमारे देश में काफी महान साइंटिस्ट जिनका नाम था डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, फाउंडर थे CSIR के, उनके बेसिस पर ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था। जब से स्टार्ट हुआ ओनली 19th महिलाओं को दिया गया है, अगर बात करें पुरुष को ही ज्यादातर देखने को मिलता है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। शांति स्वरूप भटनागर जी के बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। फाउंडर थे ये बेसिकली CSIR के, और फर्स्ट डायरेक्टर भी थे, फर्स्ट चेयरमैन थे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इसी के साथ में इनको यहां पर एक तरीके से जो ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और नाइट जो बेसिकली इनको ये अवार्ड दिया गया 1941 में, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन 1943 में, ठीक है। तो ये अलग अलग इनको अवार्ड दिए गए, इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया 1954 में, ठीक है। बाकी वुमेन की कंडीशन क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है कि साइंस के फील्ड में वुमेन की बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। तो आज की डेट में अगर आप लोग देखो साइंस जो रिसर्चर हैं बेसिकली उसमें डबल हो गई है, अगर बात की जाए 2022 से लेकर 2014 तक वुमेन की संख्या। वुमेन का पार्टिसिपेशन बायोटेक्नोलॉजी में 40% और मेडिसिन में 35%, इसी के साथ में 18 में से 11 डिवीजन जो है ये अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो वुमेन के द्वारा हेड किए जा रहे हैं आज की डेट में। और इसी के साथ में देखने को मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी और इनके अंदर भी पार्टिसिपेशन बढ़ा है, मतलब एक तरीके से बेसिक चीजें बताने की कोशिश की जा रही है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसा है, ठीक है। हल्का सा अगर लिखने के लिए कहीं पर आ जाए तो आप लोगों को आइडिया रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारे देश के जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास साहब जो हैं, उनको अभी इंटरनेशनल लेवल पर A+ इन ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि पब्लिश किया जाता है ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा 1994 से एनुअली पब्लिश किया जाता है। तो हमारी रैंकिंग काफी शानदार देखने को मिली, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, ठीक है।
तो याद रखना हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर है ये। वैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं सेंट्रल बैंक के गवर्नर है तो आप लोगों को बता दिया ये कौन से नंबर के गवर्नर है, अगर आप लोगों से पूछा जाए क्या आप लोग इनका नाम बता सकते हैं, देखता हूं कौन कौन बताता है, नंबर बताना है आप लोगों को। ये बात की जा रही है रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में, काफी इंपोर्टेंट अवार्ड है, एशिया का नोबेल प्राइज भी कई बार इसको बोला जाता है। ये यहां पर रवि कैनन को मिला है, हमारे देश की इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये हमारे देश के अंदर में बेसिकली ये बात करते हैं हेल्थ केयर के बारे में, तो हेल्थ के अंदर में काम करते हैं रमन मैग्सेसे, एशिया का काफी प्रीमियम अवार्ड है यहां पर ये, जो कि फिलिपिन मनीला एक तरीके से फिलिपिन के द्वारा दिया जाता है। यहां पर ये याद रखना 1958 से 2008 तक ये अवार्ड जो है ये 6 कैटेगरी में आप लोगों को एनुअली देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पहली बार ये अवार्ड आया है, आप लोग देखते हैं विनोबा भावे जो थे उनको 1958 में यानी कि जब ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था तभी मिला था। मदर टेरेसा जी को 1962 में देख सकते हैं आप लोग यहां पर, और इसके अलावा भी 1966, 1967, 1997, फिर यहां पर 2006, 2015, 2016, 2019 में अभी रवीश कुमार साहब को मिला था यहां पर ये। तो बहुत सारे हमारे देश की पर्सनैलिटी को ये अवार्ड टाइम टू टाइम मिल चुका है, तो ये एक बेसिक चीज है जो आप लोग याद रख सकते हैं यहां पर, ऐसा नहीं कि पहली बार मिल रहा है। इंदौर जो है उसने झंडे गाड़ रखे हैं, फिर से यहां पर टॉप पर आप लोगों को देखने को मिला है यहां पर क्लीनेस्ट सिटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अंदर में। 2022 में यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर रिलीज की गई स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग ऑफ द सिटीज, एम क्या था यहां पर कि देखा जाए कि कौन कौन सी सिटी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो 131वीं रैंक यहां पर देखने को मिली, ठीक है, तो 131वें से यहां पर टॉप रैंक आप लोगों को देखने को मिली यहां पर। इसमें 47 सिटी जो थी वो है जिनकी 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, 44 सिटी वो है जिनकी 3 से लेकर 10 लाख के करीब पॉपुलेशन है, और 40 सिटी ऐसी है जिनकी लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन है। ये देखा क्या जाता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि जो कूड़ा कचकर है उसको कैसे आप लोग डील कर पा रहे हो, रोड डस्ट मैनेजमेंट कैसे कर पा रहे हो, मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन को कैसे आप लोग लेकर चल पा रहे हो, और वैक्यूलर पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कैसे आप लोग डील कर पा रहे हो, यानी कि ये सारी चीजें इनके द्वारा देखी जाती है जब ये प्रेजेंट किया जाता है। तो इसके चलते आप लोग यहां पर याद रखिएगा, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। इंदौर टॉप रहा यहां पर जैसे मैंने यहां पर बताया, तो ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है इसमें आप लोगों को ये बेसिक चीजें और बता रखी हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में कौन कौन है। बाकी यहां पर 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन की अगर देखें तो इंदौर, आगरा, थाने एटलीस्ट 3 टॉप का नाम आप लोग याद रखेगा, दिल्ली यहां पर 9वें नंबर पर है और मुंबई है 10वें नंबर पर, ठीक है, अहमदाबाद जो है वो 8वें नंबर पर है, वडोदरा, त्रिची, भोपाल, श्रीनगर, तो यहां पर आप लोग घूमने जा सकते हैं, एक अच्छी सिटी आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इससे एक अच्छा नहीं कहीं पर साफ सुथरे एरिया में घूमने जाते हैं तो मन लगता है, तो ये वाली चीजें आप लोग समझ सकते हैं यहां पर। बाकी जब हमारे देश के अंदर में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो पोल्यूशन को नापता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स तैयार करता है, तो AQI कौन करता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसमें 0 से लेकर 50 तक देखा जाता है, गुड की कैटेगरी में है, सेटिस्फैक्ट्री में बात करते हैं तो 51 से 100 की है, 101 से लेकर 200 तक मॉडरेट देखने को मिलेगा, 201 से लेकर 300 तक पुअर, और 301 से लेकर 400 तक वेरी पुअर, और 401 से लेकर 500 तक वेरी सीवियर कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। मतलब कहने का है कि हाँ तो आदमी मर ही जाए बस, तो वो वाली कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक सी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। बात करेंगे यहां पर इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, दोस्तों यहां पर काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है थर्मन सन्मुगरत्नम। ये अभी एक सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट बने हैं, 9th प्रेसिडेंट है बेसिकली। इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहां पर, ये इंडियन मूल के हैं। देखो अगर किसी भी दुनिया की धरती पर कोई भी अगर इंडियन मूल का इंसान जो है वो प्रेसिडेंट बनता है तो इससे कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे देश की साख बढ़ती हुई नजर आती है। यूके के प्रेसिडेंट कौन है आज की डेट में बताइए जरा, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, देखता हूं कौन कौन बताता है। इंडिया और सिंगापुर के बारे में अगर लोग बात करेंगे तो हम लोग काफी लंबे समय से सिंगापुर के पास में अच्छे रिलेशन हमारे रहते हैं। सिंगापुर के जो लीडर हैं खासकर अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम बात करें यहां पर गो चुक तोंग, ठीक है, तो उनको यहां पर जवाहरलाल नेहरू अवार्ड भी दिया गया था इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2004 में। सबसे बड़ी बात क्या है, सिंगापुर के अंदर में जो लैंग्वेज बोली जाती है उनमें 4th हाईएस्ट बोले जाने वाली लैंग्वेज जो है
वो कौन सी है, वो है तमिल लैंग्वेज। बाकी हिंदी, गुजराती, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, ये भी नॉर्मली आप लोगों वहां पर देखने को मिल जाती है। इंडिया और सिंगापुर जो है उनमें लगभग 30 बिलियन का आप लोगों को यहाँ पर आज के दिन में ट्रेड देखने को मिलेगा। डिफेंस के मामले में, या फिर आप लोग बात करिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मामले में, नेवी के मामले में, मिलिट्री के मामले में सिंगापुर काफी टॉप पर नजर आएगा। नेवी के बारे में बात करें तो सिम्बेक्स, एयरफोर्स, सिंडेक्स, इसी के साथ में आर्मी की बोल्ड क्रूज क्षेत्र, ये एक्साइज आप लोगों को देखने को मिलती है। लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं, ये है सिंगापुर, जो कि आप लोग याद रखते हैं, और सिंगापुर के नाम पर सिंगापुर एक स्टेट भी देखने को यहां पर मिलता है। अच्छा, आप लोगों को याद आ रहा है सेंटोसा आइलैंड किसी रीजन की वजह से डिस्कस किया करते थे हम लोग जब डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो न्यूज में रहा करते थे। देखता हूं कौन यहां पर याद कर पाता है, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी यहां पर बाइंडिंग रूल लाने की बात की गई, जिसके बेस पर किसी पर्टिकुलर देश के अंदर में अगर कोई करप्शन या फिर उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलती है तो उस पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं प्रतिबंध लगाया जा सके। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से कई बार क्या होता है, ये आज की डेट में टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी करते हुए नजर आते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए भी नजर आते हैं, और ये दोनों ही दोनों गैर कानूनी काम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्ट में अगर बात करें। इसके अंदर में दो लिस्ट होती है, एक को बोलते हैं ग्रे लिस्ट और दूसरे को बोलते हैं ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट जो है यहां पर वो बेसिकली काम करती है कि कैसे कोई हरकत उल्टी सीधी कर रहे हैं, कि कोई टेररिज्म फाइनेंसिंग कर रहे हैं यानी कि टेररिस्ट को पैसा दे रहा है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम यहां पर ये करती है। ब्लैक लिस्ट जो है यहां पर ये हाई रिस्क जुडिक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको डाल दिया था इस लिस्ट में, तो उसको दुनिया भर में से पैसा देना, इन्वेस्टमेंट करना, वो सारी चीजें बंद हो जाती है। नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और ईरान आज की डेट में तीन ऐसे देश हैं जिनका इस लिस्ट में टॉप पर नाम या फिर इनका नाम इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है G7 कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था ये 1989 में, और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें 39 मेंबर हैं आज के दिन में। लेटेस्ट मेंबर कौन जुड़ा है ये बताइए, इंडोनेशिया ओनली ऑब्जर्वर कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंडिया ने ऑब्जर्वर स्टेटस पाया था 2006 में और फिर 2010 में फुल टाइम स्टेटस हमारा यहां पर मिल गया था। ये साल में तीन बार मिलती है, तो अगर किसी देश को ये लगे कि एक बार बच गया है, दूसरी बार फिर आएगी, तीसरी बार फिर आएगी, इसलिए देश के दिल की धड़कन बढ़ी रहती है जब ये ऑर्गेनाइजेशन मिलती है कि अब की बार ने डाल दे हमको इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में। ठीक है, हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग बात करेंगे तो कई सारे फ्यूजेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं जिनके नाम आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फ्यूजेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर वो रहता है जो कि पैसा लेके देश से भाग जाता है यहां पर, तो इस तरह का इंसान आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके लिए हमारे देश के अंदर में बिल भी लाया गया था फ्यूजेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर 2018 पार्लियामेंट के द्वारा। वो इंसान जो 100 करोड़ रुपए लेकर यहां पर बेसिकली भाग गया है देश से, वो इंसान के लिए यहां पर ये बेसिकली इस्तेमाल करने की बात की गई थी। ठीक है, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। ये जो पर्टिकुलर न्यूज है यहां पर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ईस्ट एशिया आसियान जो इंडियन कम्युनिटी की समिट जो है अटेंड करने के लिए पहुंचे और फिर इंडियन डायस्पोरा से भी मिले। तो यहां पर ये 18th मीटिंग थी यहां पर जिसमें हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो वहां पर पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर कैसे मिलजुल कर काम कर सकते हैं और एक मल्टी लेटरल वर्ल्ड का निर्माण कर सकते हैं, उसमें यहां पर पूरा फोकस देखने को मिलता है। यहां पर ऐसा नहीं कि एक ही मीटिंग थी, तो दूसरी मीटिंग भी याद रखिएगा, ये 20th आसियान इंडिया समिट भी यहां पर देखने को मिली थी, जो कि यहां पर जिसके बेसिस पर डिसीजन टू एस्टेब्लिश द इंडियन एम्बेसी इन तिमूर लिसे थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसी के साथ में 2 ज्वाइंट स्टेटमेंट देखने को मिली मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए और फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन के लिए। अभी आप लोगों को पता है कि आसियान देश जो है वो फ्रस्ट्रेट है यहां पर चाइना की वजह से, चाइना की बदतमीजी की वजह से, तो इसलिए यहां पर ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट हो जाती है। 18th इसी समिट कहां पर थी, ये जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर में आप लोगों को यहां पर देखने को मिली थी। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर आप लोग याद रखिएगा ये थी यहां पर आसियान इंडिया 2023, तो ये मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली, ये है देश के लीडर, तो इसके बारे में भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल देखिए 4 देश तो इधर है यहां पर, ठीक है, और इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे 6 देश इधर देखने को मिलेंगे, तो टोटल आसियान के 10 कंट्री आप लोगों को यहां पर नजर आ रहे हैं, तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना। वैसे ईस्ट एशिया समिट एक ऐसा ग्रुप है जो कि स्टेब्लिश किया गया था 2005 में। 18 रीजनल जो लीडर हैं इसमें आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि यहां पर स्टार्ट किया गया था मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 1991 में। इसमें कौन कौन से आप लोगों को एरिया देखने को मिलते हैं जिसमें फोकस किया जाता है, जैसे कि एनर्जी के बारे में बातें करते हैं, एजुकेशन के बारे में, फाइनेंस के बारे में, ग्लोबल हेल्थ के बारे में,
पेंडेमिक आ जाए तो उसके लिए भी तैयार हैं भैया, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, सुनामी आ गई, तूफान आए, फ्लैंड हिमकाना, ये सारी चीजें, और एशियान कंट्री की कनेक्टिविटी को कैसे लेकर चल रहे हैं उसके ऊपर भी ये काफी अच्छे से काम करते हैं। मेंबरशिप में मैंने बताया आसियान कंट्री तो है, टोटल 18 हैं, तो 8 देश कौन से हैं फिर? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया और यूएसए। यानी कि टोटल 8 देश आप लोगों को और देखने को मिलेंगे, टोटल 18 देश हो गए यहां पर। आसियान जो है यहां पर वो ओनली चेयर करते हैं, यानी कि चेयर मीटिंग ओनली आसियान के मेंबर ही करेंगे, बाकी 8 जो है वो चले जाते हैं, अच्छी बात है। इंडिया जो है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, 2019 में ईस्ट एशिया समिट जो है बैंकॉक में हुई थी, और इंडिया ने इंडो पैसिफिक जो ओशन इनिशिएटिव ये यहां पर स्टार्ट किया था, तो ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी स्टेट पीसीएस के अंदर में पूछा भी गया था, ठीक है। बाकी ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग यहां पर देखते हैं, सारी जो देश हैं उनके नाम आप लोगों के सामने, तो कंफ्यूजन आना नहीं है। आसियान के बारे में भी आप लोगों से कोई पूछे तो इसके बारे में एटलीस्ट आप लोगों को ये जरूर याद रखना है, म्यांमार 1997 में म्यांमार इसमें ऐड हुआ, इसको बनाया गया था कई सारे देश के द्वारा, ओरिजिनली फाउंडर जो है वो म्यांमार यहां पर नहीं है, ओरिजिनली फाउंडर कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड, और यहां पर बर्नोई 1984 में जुड़ा, वियतनाम 1995 में, लाओस म्यांमार 1997 में, कंबोडिया 1999 में। याद रखना अभी चाइना और फिलीपीन की आपस में झड़प देखने को मिली थी, तो फिलीपीन जो है वो फाउंडिंग मेंबर है आसियान का, तो ये याद रख सकते हैं, ठीक है। 8 अगस्त 1967 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, कहां पर? बैंकॉक थाईलैंड, आप लोग याद रखते हैं। सेक्रेटरिएट इंडोनेशिया जकार्ता के अंडर में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। बाकी ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। इंडिया के साथ में रिलेशन के बारे में बात करें तो ये ऐसा नहीं कि अभी अभी यहां पर स्टार्ट हुआ है, तो काफी पुराना है, तो सारा एक ब्यूरो आप लोगों को दे दिया है। ये खासकर डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ ले आते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट देकर बोल देंगे कि समिट लेवल कब हम लोगों ने स्टार्ट की, फ्री ट्रेड कब स्टार्ट किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे कब पहुंचे, तो ऐसे कई बार आगे पीछे करके स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 2018 में अभी 25 साल पूरे हुए, तो भी कई सारे एग्जाम में इसका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक है और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अभी G20 की मीटिंग हमारे देश में जब देखने को मिली, उस टाइम पर यूरोपियन यूनियन को G20 का पार्ट बना दिया, तो हम लोग G20 के अंदर भी यहां पर किसके ऊपर फोकस कर रहे थे? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर फोकस कर रहे थे। तो इंडिया यूएन के द्वारा लॉन्च किया गया ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, तो इंडिया यूएन मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं। इसमें इंडिया हमारे देश का बेसिकली यूएन में जो पार्टिसिपेशन है, और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन मिलकर काम कर रहे हैं। तो इंडिया यूएन फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर द डेवलपमेंट, ये यहां पर आप लोगों को एक इवेंट देखने को मिला, जिसमें हमारा देश जो है आप लोगों को पता है टेक्निकल कोऑपरेशन में काफी अच्छा आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराता हुआ नजर आता है। तो बेसिक फोकस क्या है कि कैसे हम लोग ग्लोबल साउथ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, यहां पर तो ये था कि कैसे हम लोग यहां पर ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं डेवलपमेंट रिलीवेंट जो भी यहां पर चीजें डिलीवर कर सकते हैं। इसी के साथ में इंडिया और यूएन की पार्टनरशिप आप लोगों को देखने को मिलती है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बारे में आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ रहे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्लोबल नॉर्थ में यूएसए, कनाडा, यूरोप, रसिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देखने को मिलते हैं। ग्लोबल साउथ में एशिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये वाले देश आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर बात करते हैं इनिशिएटिव के बारे में तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका फोरम आप लोग यहां पर देख सकते हैं, और यहां पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन ये कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। बाकी इसके बारे में अगर बात करें रोड ब्लॉक क्या है, ग्रीन एनर्जी को लेकर, रसिया यूक्रेन वॉर, चाइना का इंटरफेरेंस, यूएसए की हेजेमनी, ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो बीच बीच में आप लोगों को देखने को मिलती रहती हैं, ठीक है। रिसेंटली अभी 78 यूएनजीए यूएन जनरल असेंबली का सेशन हुआ, हमारे देश की साइड से जो है जयशंकर साहब जो है उन्होंने प्रेजेंट किया हमारे देश को, भारत को, पर लेकिन यहां पर नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, ऐसा नहीं कि पर प्राइम मिनिस्टर ही जाते हैं, दूसरे लीडर भी जाते हैं, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जयशंकर साहब थे यहां पर। ये तो यहां पर ये अभी अगर देखने को मिले तो जो प्रेसिडेंट थे इस टाइम पर यहां पर ये कौन थे, ये थे त्रिनाद एन तबैको, जो तबैको के जो आज लीडर हैं जिनका नाम है डेनिस फ्रांसिस, ठीक है। अभी यहां पर थीम क्या थी, रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीइग्नाइटिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी, क्योंकि जैसी कंडीशन अभी देखने को मिल रही है उसके चलते इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, और इसी के साथ में एक्सीलरेट करने की बात की जा रही है 2030 जो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, शांति, प्रोस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड सस्टेनेबिलिटी सबके लिए, तो ये थीम यहां पर इसके लिए रखी गई थी काफी बड़े वाली, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है। बाकी अगर मन है यूएन के बारे में यार चीजें पता होनी चाहिए तो ये एक अकेली स्लाइड ऐसी है जिसमें सारी चीजें इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है, तो इसको आप लोग देख लेना, यहां पर डाल दिया इसको ताकि आप लोग समझ सकें और कोई भी कंफ्यूजन आप लोग के मन में इसको लेकर न रहे।
ये एक ऐसी न्यूज है जिसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। अभी बेंगलुरु के अंदर में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आप लोगों को देखने को मिली कॉफी की, और ये फर्स्ट थी हमारे देश के अंदर में जो अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिली, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हमारे देश में देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन ये स्टेब्लिश की गई थी 1963 में, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉफी एग्रीमेंट लाया गया 1962 में, और इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग बात करते हैं तो रिप्रेजेंट करती है 93% वर्ल्ड कॉफी पॉपुलेशन और 63% वर्ल्ड कंजप्शन। तो इसके अंदर में आप लोगों को एरिया देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली स्ट्रेंथन करती है कॉफी सेक्टर को, और जो मेंबर कंट्री है वो 42 जो है कॉफी एक्सपोर्टिंग है और 7 इंपोर्टिंग कंट्री है। इसी के साथ में इंडिया जो मेंबर है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, इसीलिए मीटिंग आप लोगों को हमारे देश में देखने को मिली। हमारे देश में कॉफी प्रोड्यूस करने में सबसे टॉप पर है कर्नाटक नंबर 1 में, दूसरे नंबर पर है केरला जो काफी पीछे है, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, और बाकी थोड़ा बहुत कॉफी जो है और भी प्रोड्यूस करते हैं। तो कर्नाटक सबसे टॉप पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। कॉफी बोर्ड जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है। इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन बिगड़े थे यहां पर, उसके चलते 5i जो था ये काफी ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि आप लोगों को पता है कनाडा ने हमारे ऊपर आरोप लगाए थे कि हम लोगों ने उनके नागरिक को मारा है। हालांकि वो जो इंसान था जिसकी जान गई वो बिल्कुल एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो बड़ा ही एक ऐसा इंसान था जिसका जिंदा रहना हमारे लिए तो सही नहीं था, तो मर गया अच्छी बात है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या यहां पर, ये बात की गई कनाडा के प्रेसिडेंट के द्वारा कि हमने जो है प्रूफ जो है इंडिया ने उसको मारा है हमारे सिटीजन को, प्रूफ हमने दे दिए हैं I5 को। तो I5 इसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था। 1946 में ऐसा ग्रुप बनाया गया दुनिया में 5 देशों के द्वारा मिलकर कि दुनिया पर आई यानी कि नजर रख सके ताकि कौन देश क्या कर रहे हैं। ये बनाया गया था USA और UK के द्वारा। आगे चलकर इसमें आप लोगों को देखने को मिला कौन जुड़ गया, इसमें आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया, कनाडा भी जुड़ गया, और यहां पर न्यूजीलैंड भी आप लोगों को देखने को मिला। तो ये दुनिया भर में जो भी इनकी एक तरीके से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है ये एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, कहां कहां क्या चल रहा है उसके ऊपर ये नजर भी रखने का काम करते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड आफ्टर रसिया कैनेडा, तो याद रखना एरिया वाइज दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ब्रिटिश मोनार्क जो है वो आज भी हेड होते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने यहां पर रूल किया था। हमने तो अपने ऊपर से इनका जो है ठप्पा हटा दिया, पर लेकिन आज के में कैनेडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वो आज भी वही पैटर्न फॉलो करते हैं जिसको डोमिनियन स्टेटस की बात यहां पर की गई थी। यूएसए और कैनेडा जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं 49 पैरेलल के द्वारा, तो ये लाइन आप लोग यहां पर याद रखना। कनाडा जो है यहां पर कई सारी लेक हैं जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे ग्रेट बियर लेक हो गया, ग्रेट स्लेव लेक हो गया, इसी के साथ में यहां पर ये हो गया बेसिकली विनपेग लेक, इसी के साथ में सुपीरियर, मेसिगन, ओरिन, ये यहां पर यूरोन, एरिट, ये एरिक और ओंटेरियो, ये भी कुछ इंपोर्टेंट लेक है जिनका नाम आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन आना नहीं है, थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। मसाले एक ऐसी चीज है जो हमारे देश की जो खासियत है, कुछ भी अगर बनाते हैं हम लोग काफी मसालेदार चीजें बनाते हैं, हमारे देश में चटपटी चीजें खाई जाती हैं लोगों के द्वारा। ठीक है, हालांकि मैं मीठा पसंद करने वाला इंसान हूं, ठीक है, ज्यादा चटपटी मसाले वाली चीज मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। अभी बात करते हैं यहां पर 14th एडिशन जो वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस का देखने को मिला वो नवी मुंबई में यहां पर अभी आप लोगों को नजर आया। वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस जो है ये 1990s में आप लोगों को यहां पर देखने को मिली, स्टार्ट की गई। इसका जो बेसिक फोकस है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं स्पाइसेस के उनके ऊपर नजर रखी जाए। इसी के साथ में ऑर्गेनाइज कराई जाती है अंडर द किसके यहां पर, ये स्पाइसेस बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो थीम रखी गई वह स्पाइसेस यानी कि सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलेबोरेशन और एक्सीलेंस एंड सेफ्टी, तो ये थीम यहां पर रखी गई। स्पाइस बोर्ड जो है ये 26 फरवरी 1987 में यहां पर बनाया गया, फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में। रेस्पॉन्सिबल है एक्सपोर्ट करने के लिए 52 के करीब शेड्यूल जो यहां पर स्पाइसेस हैं, और इंडिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो यहां पर देखने को मिलेगा, लिंक बिटवीन इंडिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वो यहां पर ये मेंटेन करता है, ये फिर मैनेज करता है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर में हो रही है तो इसलिए याद रखना है। ये एक ऐसी चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा कॉरिडोर की बात यहां पर की गई थी G20 के अंदर में, तो ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था यहां पर। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा यहां पर ये क्या है, ये एक तरह का कनेक्टिविटी रूट आप लोगों को देखने को मिल रहा था, इंडिया से यहां से चीजें पहुंची यहां पर, ये इसमें बेसिकली नाव वगैरह में रखकर यहां पर तो यूएई पहुंच गई, यूएई से सऊदी अरेबिया से होता हुआ फिर यहां पर ये कंडीशन इस तरीके से यूरोप में पहुंचाया गया इसको एक अलग लेवल पर। तो यहां पर ये कनेक्ट कर रहा है किसको, ये नॉर्थ कॉरिडोर, ये ईस्ट कॉरिडोर, इनको कनेक्ट कर बनाया गया, जिसमें कौन कौन से देश आ रहे हैं यहां पर, इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर,
यूएई, सऊदी अरेबिया, जोर्डन, इजराइल, इटली, फ्रांस और जर्मनी। तो टोटल मिलाकर ये कंट्री आप लोगों यहां पर नजर आएंगे, जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। ये भी एक मैप आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया G20 की मीटिंग के अंदर में। इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के अंदर में ये बेसिकली किसके अंडर है, वैसे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात यहां पर की गई। तो ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो था उसको टैकल करने के लिए यहां पर बनाया गया। इसमें पार्टिसिपेट कई सारे देश कर रहे हैं, काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट यूएसए और दूसरे देश कर रहे हैं ताकि चाइना को टैकल किया जा सके। क्यों प्रोजेक्ट? क्योंकि इंक्रीज करनी है प्रोस्पेरिटी, दूसरा हेल्प करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने में, थर्ड टर्न करेगा जो भी यहां पर एक तरीके से कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर रीजन में टेम्परेचर डाउन करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर एक तरह सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर काम करने की बात की जा रही है, और जहां जहां पर भी टर्बुलेंस या फिर इनसिक्योरिटी है उसको भी यहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करेगा। हालांकि कोई बोल नहीं रहा है कि डायरेक्ट चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टैकल करने के लिए ला रहे हैं, पर रियलिटी यही रहती है कि यहां पर किसी देश का दबदबा अकेले का ना रहे, मिलजुल कर काम किया जाए, ऐसा बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट यहां पर जो हमारी नजर होगी वो होगी पॉलिटी और गवर्नेंस। दो सेक्शन को यहां पर एक साथ में देखेंगे जिसमें कई सारी इंपोर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए। हमारे देश के अंदर में एक स्पेशल सेशन लाया गया था अभी रिसेंटली, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर में बिल भी पास किया गया, वुमेन रिजर्वेशन बिल, आप लोगों को याद होगा। तो यहां पर उसके चलते ये काफी ज्यादा न्यूज में था यहां पर। तो बात की गई थी यहां पर अभी स्पेशल सेशन के बारे में कि कोई भी क्वेश्चन आर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो क्या है ये क्वेश्चन आर जिसके लिए काफी हाउल्ला हुआ? अपोजिशन जो है वो बेसिकली एक हथियार की तरीके से इसको इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट को, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अपने, नहीं एक तरीके से कि आंसरेबल कंडीशन में रखने के लिए, ये आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर जो आज की डेट में अगर आप लोग बात करेंगे, ये संविधान में क्वेश्चन आर के बारे में मेंशन नहीं है। जो मिनिस्टर है वो यहां पर मस्ट, जो मिनिस्टर है बात करिए, मस्ट रेस्पॉन्ड टू द पार्लियामेंट आइदर ओरली और रिटर्न। यानी कि कल को अगर चलकर आप लोग मिनिस्टर बन जाते हो तो जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोगों के पास में दो तरीके होते हैं, या तो आप लोग अपनी बात बोल सकते हो या फिर आप लोग लिख सकते हो, मतलब लिखकर आप लोगों से बातें पूछी जा सकती है फिर बोलकर, ठीक है। तो आप लोगों उनके आंसर भी उसी तरीके से देने होते हैं। तो यहां पर बात की जा रही है कि रिसेंटली अभी जो सेशन हुआ उसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर को नहीं रखा गया। टाइमिंग 11 से लेकर 12 बजे तक होती है, रिटर्न या फिर ओरल आंसर यहां पर रहते हैं, जो कि प्रिंटेड येलो और पिंक कलर जो पेपर पर यहां पर दिए जाते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, डिमांड करते हैं ओरल रेस्पॉन्स, यानी कि आप लोगों से पूछ जाए आप लोग बता दो हाँ ऐसा है और ऐसा नहीं है। अनस्टार्ड क्वेश्चन जो रहते हैं डिमांड करते हैं रिटर्न आंसर कि भाई साहब नहीं इनको लिखकर ही आप लोग बताओ। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या रहते हैं कि 10 दिन पहले आप लोगों को बताना होता है कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इनके बारे में फिर यहां पर सामने वाला जो है वो अपना रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर पूछा जाता है कई बार यहां पर, तो एक ये भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने अभी यहां पर नॉर्थ, जो यहां पर नॉर्दर्न जोनल जो कॉन्फ्रेंस है उसको एक तरीके से हेड किया, और 31st यहां पर देखने को मिली, जिसके लिए ये बोला गया कि ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा बॉर्डर एरिया की सिक्योरिटी को ध्यान में रखने के लिए। हमारे देश के अंदर में अगर बात करें, ये नॉर्दर्न हो गया, सेंट्रल हो गया, वेस्टर्न हो गया, सदर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, और फिर नॉर्थ ईस्टर्न कमांड आप लोगों को देखने को मिलती है। तो टोटल मिलाकर ये जोनल काउंसिल आप लोगों के सामने नजर आती है। जो यहां पर चेयरमैन आप लोगों को देखने को मिलते हैं और वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो यहां पर बताए गए हैं। होम मिनिस्टर इनके चेयरमैन होते हैं और चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच द स्टेट एवरी ईयर ये इसके क्या रहते हैं, ये इसके वाइस चेयरमैन रहते हैं। सेटअप की गई थी कि कैसे शांति बनाकर रखी जा सकती है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था 1956 का उसके हिसाब से सेट किया गया। स्टैचूटरी बॉडी है, एम क्या है, कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे लेकर चला जा सके, तो काफी इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक सही डायरेक्शन देने का तरीका यहां पर ये खोजा गया, ठीक है। तो काफी ये एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन आना नहीं है। अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में यहां पर देखने को मिले थे दो शब्द, एक है सोशलिस्ट और दूसरा है सेक्युलर। आखिर ये शब्द क्यों न्यूज में आए और इसके बारे में यहां पर क्या क्या बातें हैं, थोड़ा सा बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जब आप लोग संविधान पढ़ते हैं ओरिजिनल संविधान के बारे में, तो यहां पर लिखा जाता है सोवरन, डेमोक्रेटिक और इसी के साथ में रिपब्लिक। कहीं पर भी आप लोगों को सोशलिस्ट और सेक्युलर देखने को नहीं मिलता है। यानी कि हमारा संविधान जो इंप्लीमेंट किया गया था ये बेसिकली 26 जनवरी 1950, उसमें ओरिजिनली ये चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिली जो कि अभी फिलहाल आप लोगों को देखने को मिलती है। प्रीएम्बल एक ऐसी चीज है जिसको हिंदी में आप लोग प्रस्तावना बोलते हैं,
और ये प्रस्तावना अब तक एक बार वन टाइम ही इसको आज तक जो है इसके अंदर में अमेंडमेंट किया गया है। और वो जो अमेंडमेंट था उसका बेसिकली उसको आप लोग बोलते हो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। ये जो संविधान में संशोधन किया गया था इसमें यहां पर तीन शब्द नए ऐड किए गए, एक तो था सोशलिस्ट, एक था सेक्युलर, तीसरा शब्द क्या था ये आप लोग बताइए। देखता हूं किस किस को याद है, पॉलिटी में काफी तसल्ली में चीजें आप लोगों को बढ़ा रखी हैं। इसके अंदर में बात करते हैं समरी के बारे में, एक समरी है हमारे संविधान का, एसेंस बताता है कि संविधान के अंदर में क्या है, और कई बार इसको इंट्रोड्यूसिंग पार्ट भी हम लोग बोलते हैं, जो कि इंस्पायर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, अडॉप्ट किया गया था जनवरी 22, 1947 में। हमारे देश के अंदर में अगर बात करें, हालांकि लिखा हुआ यहीं पर, सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रेटिव शब्द जो है ये ऐड किए गए 1976 में। स्टार्टिंग में बेरुबारू यूनियन का केस था, उसने बोला कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, फिर केशवानंद भारतीय केस है उसने बोला प्रियम्बल पार्ट है, और फिर LIC वाला केस है इसने बोला प्रियम्बल इंट्रीगल पार्ट है, इसको आप लोग अलग नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसलिए यहां पर कई बार इसके बारे में डिबेट और डिस्कशन होता था कि क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है। हाँ भाई बिल्कुल पार्ट है, और बहुत ही तकड़े वाला पार्ट है जिसको आप लोग दूर नहीं कर सकते, ठीक है। गवर्नेंस में आप लोगों को काफी इंपोर्टेंट टॉपिक ये देखने को मिलता है जिसमें बात करते हैं अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम। ये स्कीम अभी रिसेंटली कई सारे स्टेट के अंदर भी न्यूज में थी, क्योंकि हेरिटेज साइट को अडॉप्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को इनविटेशन यहां पर दिया गया था, ताकि उसकी देखरेख की जा सके और उसको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हम लोग आगे लेकर चल सकें। तो यहां पर इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ में कोलैबोरेट करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2017 में यहां पर ये पर्टिकुलर जो सिस्टम था लॉन्च किया था 27th of September को, ये वर्ल्ड टूरिज्म डे वाले दिन, ताकि लोगों को किसी पर्टिकुलर हेरिटेज साइट के बारे में अवेयर किया जा सके। इसमें एक स्कीम ये भी है जिसको म्यूनामेंट मित्रा स्कीम बोलते हैं, यानी कि एक तरीके से यहां पर म्यूनामेंट का दोस्त आप लोग यहां पर बोल सकते हो। ये जो टर्म है ये यहां पर बेसिकली म्यूनामेंट मित्रा ये कॉइन की गई अंडर अडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट, और यहां पर किसी पर्टिकुलर जो कंपनी है उसको एज ए मित्रा की तौर पर देखा गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नोडल एजेंसी है, और यहां पर किस तरीके से हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये ऑल सेंट्रलाइज्ड जो प्रोटेक्टेड एरिया हेरिटेज है उसके ऊपर यहां पर काम करता है। क्वालिटी और इंक्लूसिव प्रोविजन के बारे में बात करते हैं, हेरिटेज नेचुरल टूरिस्ट साइट ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ये सारी की सारी चीज जब आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक स्कीम है जिसका नाम है प्रसाद, उसके तहत यहां पर प्रसाद मिलते हैं, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्रिग्लिमिस रिजुविनेटेड स्पिरिचुअल हेरिटेज आर्ग्यूमेंटिस जो आर्ग्यूमेंटेशन ड्राइव, इसका प्रसाद नाम यहां पर रखा गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा 2014 में यहां पर देखने को मिली। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसका ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है कि कैसे हम लोग अपने देश के हेरिटेज को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे टूरिज्म की चीजें वहां तक बढ़ा सकते हैं। काफी लार्ज स्केल पर इसको देश के अंदर में फहराया गया, अलग अलग सर्किट भी बनाए गए, ये सारी बातें आप लोगों को पता है, पर ये जो बेसिक चीजें हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुकी हैं और आगे भी बनती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। उज्ज्वला योजना अभी न्यूज में थी, पहले 200 फिर 300 सब्सिडी की बात की गई, ये कोई नहीं पूछेगा कितनी सब्सिडी बढ़ाई गई है, इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी और इसका पर्पज क्या था। 2016 में स्कीम लॉन्च की गई जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से आप लोग जानते हो, LPG सिलेंडर प्रोवाइड कराने के लिए एक गरीब जो घर है उसको यहां पर प्रोवाइड कराना, ताकि ऑब्जेक्टिव ये था कि उनकी हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट और एनवायरमेंट को फायदा पहुंचा सके। बेसिक पर्पज तो ये था कि महिलाओं की जो हेल्थ होती है वो काफी बिगड़ जाती है धुएं के चक्कर में पड़कर, उसको कैसे इंप्रूव करना है उसके ऊपर फोकस किया गया। अगर बात करें यूनियन बजट 2021-22 में प्रोविजन था एडिशनल 1 करोड़ LPG के बारे में यहां पर बात की गई, जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो आज की डेट में भी गांव में गोबर के उपले इस्तेमाल किए जाते हैं, तो बेसिक पर्पज यहां पर ये है यार कि किस तरीके से उनमें जो दिक्कतें होती हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, उसको दूर किया जाए, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की ये स्कीम है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। एक स्कीम जो कि है तो पुरानी पर फिर से यहां पर न्यूज में आ गई, जिसका नाम है यहां पर क्या, यह है पीएम दक्ष, प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता, ये बेसिकली संपन्न जो आप लोगों यहां पर हितग्राही योजना जिसका नाम यहां पर रखा गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च की गई 2020-21 के लिए देखने को मिलेगी सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ऑब्जेक्ट क्या है कि कैसे इनहेंस किया जाए यहां पर टारगेट, किस तरीके चीजों को लेकर चला जा सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट और इसी के साथ में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यहां पर इसका फोकस किया गया। इंपॉर्टेंट क्या है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये चीज आप लोग एटलीस्ट याद रखिएगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा यहां पर देती है इसके लिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है।
अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि जल जीवन मिशन के बारे में बताइए और आप लोग बोलो यार 2019 की स्कीम ना अब की बार पेपर में पूछ ली, नहीं यार ऐसा नहीं हुआ करता, ये किसी न किसी रीजन की वजह से न्यूज में होगी। अभी बोला गया 13,000 से भी ज्यादा लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर स्कीम के साथ में, सॉरी 13 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो हैं वो स्कीम के साथ में कनेक्ट हो चुके हैं और इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं कई बार। सबसे पहले तो ये क्या है स्कीम 2019 में लॉन्च की गई कि 55 लीटर जो पानी है वो हर एक इंसान को पर डे मिलेगा 2024 से। यहां पर इसको कंप्लीट करने की कोशिश की गई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में। ये यहां पर बात की गई कि किस तरीके से यहां पर इसको इंप्लीमेंट करना है, तो 90 और 10 का फॉर्मूला लिया गया हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, 50-50 की बात की गई अदर स्टेट के लिए और 100% बेसिकली यूनियन टेरिटरी के लिए। 2024 तक सबके घर में पाइप वाटर पहुंचाना है। इसी के साथ में इंटीग्रेटेड डिमांड की बात की जा रही है सप्लाई के साथ में, ताकि लोकल एरिया को भी इंक्लूड किया जा सके। इसी के साथ में यहां पर सेंट्रल स्टेट मिलकर काम करेंगे और वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात की गई, ग्राउंड टेबल को इंप्रूव करने के बारे में भी बात की गई। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कहां कहां पर किस किस एरिया में हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर पाए, तो ये दिखाया गया है कि कितने एरिया को अचीव कर पाए हैं। तो ये बेसिक चीज है जिसके बारे में याद रखिएगा। हालांकि ये नहीं पूछेगा कोई आप लोगों से बेसिक स्कीम के बारे में पूछेंगे, तो स्कीम के बारे में आप लोगों को यहां पर याद रखना है, ठीक है। जवान मूवी आप लोगों ने किस किस ने देखी है, यस या फिर नो आप लोग बताइए। अभी यहां पर उसी मूवी से रिलेटेड ये न्यूज है, उसमें जो महिलाएं रहती हैं वो जेल में रहती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उनका इस्तेमाल किया जाता है शाहरुख खान के द्वारा अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। अभी यहां पर उसी के बारे में बात की जा रही है। अभी रिसेंटली जो प्रिजनर है उसमें रिफॉर्म की बात यहां पर की गई और उसके चलते यहां पर ये सारी चीजें सामने निकल कर आई। जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी के बारे में बात की जा रही है, आप लोग याद रखिएगा, सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फॉर्म की गई ये कमेटी, जिसमें प्रिजनर रिफॉर्म के बारे में बात की गई कि जो भी हमारे प्रिजनर है कैसे उनके अंदर रिफॉर्म लेकर आ सकते हैं। और इसी के साथ में यहां पर और भी कई सारी चीजें देखने को मिली। फाइनल रिपोर्ट इसने 2022 में इंप्लीमेंट की कि उसको इंप्लीमेंट किया जाए। रिकमेंडेशन कई सारी थी, टेलीमेडिसिन वर्चुअल कंसल्टेशन की बात की गई कि बार बार ऐसा नहीं कि उनको गाड़ी में बैठाकर आप लोग बेसिकली जज के सामने लेकर आओ, तो सारे ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ओवरक्राउडेड जेल है कैसे उसको सुधारना है, जेल के अंदर में लोग सुसाइड कर रहे हैं कैसे उसको सुधारना है, तो कई सारे मुद्दों के ऊपर बात की गई। ओवरक्राउडेड में छत्तीसगढ़, दिल्ली, मेघालय, यूपी, मध्य प्रदेश, ये सारे टॉप पर आप लोगों को नजर आएंगे। तो कैसे इसको लेकर चलना है, पुअर लीगल सर्विस देखने को मिलेगी उसके बारे में यहां पर बात की गई। तो मुद्दा यह था कि कैसे आप लोगों को चीजों को सुधारना है। सबसे ज्यादा कौन है जेल में आज की डेट में, तो उसके बारे में बात की गई। मुस्लिम कम्युनिटी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है, फिर सिख कम्युनिटी, फिर दलित कम्युनिटी भी काफी लार्ज स्केल पर है, आदिवासी कम्युनिटी भी काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को यहां पर नजर आती है। अगर बात करें प्रिजनर ऑक्यूपेंसी में, सबसे बड़ा यूपी है स्टेट, तो उसमें देखने को मिलती है। उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख, ये सारी बातें आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है, मतलब कि इनको जो कंडीशन देखने को मिल रही है जेल की कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में बार बार बातें यहां पर की जाती है। दुनिया में अगर बात करोगे तो आप लोगों को टॉप 15 में आप लोगों को यहां पर कंट्री देखने को मिलेगी, जैसे लिचिस्तान है ये पर्टिकुलर कंट्री, ये पहले नंबर पर है। अगर बात करें छोटी छोटी कंट्री यहां पर, लिचिस्तान हो गया, नेक्स्ट हो गया यहां पर सैन मारिनो, नेक्स्ट यहां पर हैती, गबन, बांग्लादेश, फिर इंडिया का नाम नंबर आता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी जेल के अंदर में लोगों की, जो कि आप लोग यहां पर नजर आते हैं। और ये सारे अंडर ट्रायल है, यानी कि ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी केसेस चल रहे हैं बस, ठीक है। तो बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर में एक पार्टिसिपेट करने वाली, एक काफी एक अप्रिशिएट करने वाली पर्सनैलिटी आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर हमारे देश के जो मिनिस्टर हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा ये मालवीय मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें टीचर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस देने की बात की गई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिलेटेड। तो मालवीय मिशन जो है यहां पर, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये सिस्टम है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे टीचर ट्रेनिंग को इंप्रूव कर सकते हैं और अलग अलग एरिया में इसके लिए काम करने की बात की गई। और नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके ऊपर भी यहां पर बात की गई, किसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इनका जन्म 1861 में अलाहाबाद के अंदर में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस में 4 बार ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसी के साथ में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की गई 1931 की। इसी के साथ में यहां पर फाउंड किया गया हिंदू महासभा 1906। इसी के साथ में इनको जो गिवन किया गया जो टाइटल महामाना, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो ये याद रखिएगा इनको महामाना का नाम जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। 2014 में पंडित जो मालवीय जो है उनको पोस्टमसली भारत रत्न भी दिया गया, ये स्टार लगाने वाली बात है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी हैं और इसी के साथ में वाइस चांसलर भी यहां पर रहे हैं।
तो इतनी सारी चीजें एक ही टाइम में, एक ही जीवन काल में एक इंसान के द्वारा करना आसान काम नहीं होता है। तो इसलिए ये वो पर्सनैलिटी है जिनको आप लोग समझ सकते हैं और इनसे इंस्पिरेशन लेकर अपनी जिंदगी को भी इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी ये भी एक स्लाइड है जिसमें आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन इनसे रिलेटेड प्रोवाइड कराई गई है। किसानों की हेल्प करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है कई सारे एरिया में काम करना। एक एरिया है यहाँ पर कि किसानों को अगर कोई दिक्कत हो तो उनसे बात की जा सके, तो इसके लिए चैट बोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त यहाँ पर लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री किसान जो सम्मान निधि के बारे में बात की जा रही है, लॉन्च किया गया फर्स्ट नवंबर 2018 में। फाइनेंशियल बेनिफिट यहाँ पर जिनको 6,000 रुपए पर एनम देने की बात की गई थी, 2,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट के बारे में बात की गई थी। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, स्टेट गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने इसको इम्प्लीमेंट किया, उसी चीज को और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर पीएम किसान ऐप निकल कर आया जिसमें ऑथेंटिकेशन की बात की गई कि किस किस को पैसा दिया जा रहा है उनको ऑथेंटिकेट करने, ताकि सही तरीके से सही इंसान को सही पैसा पहुंचाया जा सके। इनहेंस करनी एक्सेसिबिलिटी, मोबाइल आधार लिंक की बात की गई और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर की बात की गई एल्डरली लोगों के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सिस्टम आप लोग यहां पर बोल सकते हैं और स्टार भी इसके ऊपर लगाया जा सकता है अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो कल को, ठीक है। तो ये 2018 में लॉन्च की गई थी बेसिकली इलेक्शन से जस्ट पहले, ताकि लोगों को यहां पर 2,000 रुपए दिए जा सके, ये मतलब 6,000 रुपए दिया जा सके, 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट में किसानों को उसका फायदा पहुंचाया जा सके। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर पर, लेकिन डेटा इकट्ठा किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है संविधान के अंदर में स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, ये आप लोग याद रखना है। नाबार्ड की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, देखता हूं कौन कौन बताते हैं यहां पर, बताइए जरा। ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करने वाला हमारे देश का बैंक है। इसने सोशल बॉन्ड इशू किए। सोशल बॉन्ड कैसे हैं, जैसे आप लोग कई बार टोकन लेते हैं, टोकन लेकर कुछ खाना खाने जाते हैं तो आप लोग पैसे देते हैं आपको टोकन मिलता है, तो ऐसे ही टोकन आप लोग बोल सकते हो। ये बॉन्ड इशू किए गए जिसमें 1,000 करोड़ रुपए जो है वो इनके द्वारा उठाए गए मार्केट से, ताकि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। ट्रिपल ए यहां पर CRISL और CICRA के द्वारा यहां पर फीचर किया गया इन बॉन्ड को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जो वैल्यू है वो 1 लाख के करीब है, मैच्योरिटी 5 ईयर है और रेट जो दिया जा रहा है वो 7.63, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, एम है प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर अगर आप बात करें तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट एक बैंकिंग सिस्टम है, रूरल बैंकिंग जो उसको रेगुलेट करने वाला, 1982 में इसको बेसिकली बनाया गया, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पर लेकिन जो नाबार्ड है इसके बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे देश का ऐसा सिस्टम है जो कि जिसका नाम में आप लोग समझ सकते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। बात की जा रही है मनसुख मांडविया साहब, इनके इनसे रिलेटेड यहां पर ये न्यूज है, और किसके बारे में बात की जा रही है, आयुष्मान भव कैंपेन के बारे में। देखिए आयुष्मान भारत तो आप लोगों ने सुना है, उन्हीं चीजों को आगे प्रमोट करने के लिए कई सारे कैंपेन चलाए जाते हैं, इसी में आयुष्मान भव ये कैंपेन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ताकि हेल्थ केयर जो सर्विस है वो रिमोटेस्ट एरिया में इनके देश के कोने कोने में पहुंचाया जा सके। कैसे यहां पर फैसिलिटेट करना है चीजों को, आयुष्मान जो कार्ड प्रोवाइड कराना है, जनरेट करना है यहां पर आभा आईडी, इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है अवेयरनेस के लिए। 3 कंपोनेंट है आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान मेला एट हेल्थ और वेलनेस सेंटर, कम्युनिटी सेंटर और आयुष्मान सभा एवरी विलेज और पंचायत, ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जा सके। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव आप लोग बोल सकते हो, चीजें हैं तो पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो ये एक तरीके से लोगों को अवेयर कराने का भी एक साथ साथ में तरीका है। हमारे देश में गांधी जी हमेशा ये बात बोला करते थे कि अगर अपने देश को आगे लेकर जाना है तो गांव को इंप्रूव करो, विलेज को इंप्रूव करो, और उसी को इंप्रूव करने के लिए एक पर्टिकुलर कमीशन है जिसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है उसने एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। अभी खादी प्रोडक्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं KVIC बोलते हैं, तो इससे क्या रहेगा, गांव वाले एरिया में कैसे चीजों को बढ़ाया जा सकता है उसके ऊपर फोकस है। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर में काम करती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे फंक्शन करना है, कैसे चीजों को लेकर चलना है। सोशल ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करना है एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करना है एक तरीके से एक सेलेबल आर्टिकल होने चाहिए ताकि लोगों तक पहुंच सके। और वाइडर ऑब्जेक्टिव क्या है कि किस तरीके से आप लोग सेल्फ रिलायंस बना सकते हैं लोगों को, यानी कि लोगों को उनके पैरों पर खड़े कराने वाली बात है। यहां पर आप लोगों ने कहा सुना ना कि लोगों को मछली पकड़ना मत सिखाओ, उनको मछली
सॉरी मछली, उनको मछली मत दो, उनको मछली पकड़ना सिखाओ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है सीधा सीधा? इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उनको उनके पैरों पर खड़ा कर दो। तो ये बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहां पर याद रखिएगा। तो किस तरीके से प्रोडक्ट ऐसा बनाया जाए कि उसको बेचा जा सके, तो सेलेबल प्रोडक्ट की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी कब बनाया गया, मुंबई में हेडक्वार्टर है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग यहां पर याद रखते हैं। ये कुछ एक तरीके से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ये दो ऐसे इनिशिएटिव हैं जिनके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। अभी रिसेंटली ये लॉन्च किए गए, किसान ऋण पोर्टल और इसी के साथ में विंड्स। किसान ऋण पोर्टल जो है ये एक तरीके का यहां पर डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव फार्मर से रिलेटेड डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैसे चीजों को यूटिलाइज करना है, कैसे लोन को डिसबर्समेंट करना है, ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है। और दूसरा है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम जिसको विंड्स का नाम दिया गया यहां पर। तो दोनों काफी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में, और इसी के साथ में यहां पर इसका बेसिक पर्पज ये था कि जैसे नॉर्मल इंसान के पास में क्रेडिट कार्ड होता है, किसानों को भी उनकी हेल्प करने के लिए एक क्रेडिट कार्ड रहे और वही काम कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोऑपरेटिव ये यहां पर निकल कर आते हैं जिसके तहत यहां पर एजेंसी इसको इंप्लीमेंट करती है। तो इसमें यहां पर एक तो हो गया किसान ऋण पोर्टल और दूसरा हो गया विंड यानी कि वेदर की इंफॉर्मेशन, ये भी प्रोवाइड कराई जाएगी। किसानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कब क्या मौसम रहने वाला है, तो इसलिए यहां पर उनके मोबाइल पर ही सारी इंफॉर्मेशन उनको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब भी कोई स्कीम एजुकेशन से रिलेटेड आए तो उसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। ऐसी ये स्कीम है श्रेयस स्कीम। तो श्रेयस स्कीम का नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर स्कीम। यानी कि हायर एजुकेशन में उन लोगों के लिए स्कीम है जो कि एक अच्छे अचीव कुछ कर चुके हैं उनको, ताकि आगे एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सके। तो बड़ी अच्छी बात है, सबके लिए है क्या स्कीम? नहीं, ये स्कीम सबके लिए यहां पर नहीं है, ठीक है। ये स्कीम जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ताकि उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सके। तो इसमें टॉप क्लास एजुकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, फ्री कोचिंग, नेशनल ओवरसीज स्कीम और नेशनल फेलोशिप, ये बेसिकली प्रोग्राम है जो कि लॉन्च की गई थी 2014 में, और 2023 तक का टोटल इसमें 1228 करोड़ रुपए जो है वो लगाए जा चुके हैं और 21326 लोगों को इसका फायदा पहुंचाया जा चुका है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें इंसान जो है वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ऑन द जॉब वर्क एक्सपोजर, यानी कि जॉब और वर्क एक्सपोजर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा यूथ को, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, स्टाइपन उसको मिल सके। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आप लोग बोलते हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि स्किल डेवलपमेंट का भी काम करेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आना नहीं है। हमारे देश के अंदर में बीमा सुगम करके यहां पर एक सिस्टम लॉन्च किया गया ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बीमा के बारे में बताया जा सके। बीमा लेना हमारे देश में लोगों की ज्यादा अच्छी हैबिट है नहीं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें लोगों को बीमा के लिए बात की गई। यहां पर इसमें सिंगल विंडो फॉर द पॉलिसी होल्डर, इंपावरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, बेनिफिट फॉर द इंश्योरर कंपनी और यूनिवर्सलाइज के एक बात है बार बात की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन चीजों के बारे में अवेयर किया जा सके। मतलब कहने का यह है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से इंडिविजुअल को कैसे हम लोग बीमा की कैटेगरी में ला सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं तो कई सारे घर ऐसे होते हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाते हैं अगर घर में कोई सपोर्ट करने वाला या करने वाली नहीं होती है। तो उसके चलते यहां पर यह सिस्टम लॉन्च किया गया, एक अच्छा सिस्टम है। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर यह चीजें लाई गई। विजन क्या है, उसको किस चार चीजें ध्यान रखी गई है कि ऑब्जेक्टिव यह है कि 2047 तक हर एक इंसान जो है कोई ना कोई इंश्योरेंस रखे। विदेशों में ये चीजें हैं पर हमारे देश में नहीं है। तो इससे क्या रहेगा, फायदा ये रहेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर लोगों के पास में आता है तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि कल को चलकर कोई दिक्कत बनती है तो वहां से चीजों को सुधारा जा सकते हैं। स्टेट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर में अगर बात करें, इकोनॉमिक सर्वे भी इसके बारे में बात की गई। IRDA यहां पर काम करने वाली बॉडी है। इंडिया 10th बिगेस्ट मार्केट है अगर बात करें, और ये यहां पर वर्ल्ड में और प्रोजेक्ट की जा रही है 6th जो बिगेस्ट बन जाएगी 2032 तक का ये फोकस लगाया जा रहा है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये बनाई गई थी, यहां पर मल्होत्रा कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इंश्योरेंस के फील्ड में काम करने के लिए कोई बॉडी होनी चाहिए जो कि इंश्योरेंस के फील्ड में काम करे और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर रखी जाए हैदराबाद के अंदर में। तो ये बनाई गई यहां पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के द्वारा, इसीलिए ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूट यानी कि कानून पास कर हमारी पार्लियामेंट के द्वारा इसको बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से इसके बारे में कि क्या है ये बीमा सुगम। तो यहां पर इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के सामने।
हेल्थ के बारे में बात करेंगे जो कि काफी इंपोर्टेंट पोर्शन होता है खासकर। और हेल्थ जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में एग्जाम के लिए तो सही बातें हैं, पर लेकिन अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। ये एक ऐसी न्यूज है जिसके ऊपर आप लोगों को स्टार लगाना बनता है, क्योंकि आप लोगों ने अलसी के जो बीज होते हैं उनके बारे में सुना होगा। इनको इंग्लिश में फ्लैक्सीड बोलते हैं। फ्लैक्सीड में बोला गया कि ओमेगा 3 काफी अच्छे लेवल पर होता है, जो कि फाइट करता है हार्ट से रिलेटेड बीमारी हुए और इसी के साथ में ब्लड जो शुगर है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। फ्लैक्सीड जो है ये एक प्लांट बेस्ड फूड है जो कि हमारे लिए खासकर अगर बात करें ये काफी हेल्पफुल होता है। ये एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, फाइबर भी होता है और इसके अंदर में हेल्थफुल फैट भी आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि हेल्थ के लिए काफी बेनिफिट है। फ्लैक्सीड जो है ये इजिप्ट और एंशियंट इजिप्ट में और चाइना में लोग जो है काफी लार्ज स्केल पर इस्तेमाल करते थे। हमारे देश के अंदर भी इसका काफी इस्तेमाल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आप लोगों को अगर मैं बात करूं फ्लैक्सीड जो है डेली आप लोग आधा चम्मच जो है ये ले सकते हो, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये सारे बेनिफिट इसके हैं। अगर बात करें अच्छी स्किन के बारे में, हाइपरटेंशन को लोअर करेगा, इसी के साथ में मतलब डाइजेशन को अच्छा करेगा, इसी के साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर लिखी हुई हैं। पर लेकिन साथ साथ में अगर बात करें मॉर्निंग में खाली पेट अगर चिया सीड भी आप लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया तो आप लोगों को और ज्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। तो अपनी जिंदगी में ना क्या क्या डालना है और क्या क्या निकालना है ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि आपको एक हेल्दी लाइफ आप लोग लेकर चल सको। हेल्दी लाइफ सबसे बेस्ट चीज होती है जिसके ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर में एक काफी अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है सरकार के द्वारा, जो कि यहां पर राष्ट्रीय पोषण माह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं सितंबर के महीने में। सितंबर का महीना जो है पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो पोषण माह ये हमारे देश के अंदर में स्टार्ट किया गया लोगों को हेल्दी लाइफ प्रोवाइड कराने के लिए। खासकर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात की जाती है, एनीमिया को दूर करने के बारे में बात की जाती है, गर्ल्स को जो है ग्रोथ मॉनिटर करने के बारे में बात की जाती है, एजुकेशन के बारे में बात की जाती है, डाइट के बारे में बात की जाती है, राइट एज क्या होनी चाहिए मैरिज की महिला जो खासकर लड़कियों की उसके बारे में बात की जाती है। तो एक एक संपूर्ण विकास के बारे में बात की जाती है। पोषण जो वाटिका है यहां पर ये इंश्योर करता है कैसे सप्लाई कर सकते हैं न्यूट्रिशन थ्रू यहां पर होम ग्रोन जो वेजिटेबल है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। और एनीमिया मुक्त भारत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, पोषण ये बेसिकली जो पीएम पोषण योजना, ये कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर फायदा पहुंचाती हुई नजर आती हैं, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करना है। नेशनल जो न्यूट्रिशन वीक जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताना है। देखता हूं आप में से कौन कौन यहां पर बता पाते हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं यार आज के डेट में, पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि होते होते भी हम लोग उनका फायदा नहीं उठा पाते, ये दिक्कत वाली बात है। एक रेयर बीमारी के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है यहां पर मेनिंगोकोकल। मेनिंगोकोकल जो है एक रेयर डिजीज है, एक रेयर बट सीरियस एक डिजीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये 5 out of 27 पेशेंट जो है उनकी डेथ रिसेंटली अभी देखने को मिली यहां पर वर्जीनिया के अंदर में। तो इसके लिए यहां पर इसका आउटब्रेक जो है वो यहां पर डिक्लेयर कर दिया गया काफी अलग तरीके से। मेनिंगोकोकल डिजीज जो है यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि यहां पर जो बैक्टीरिया है उसका नाम है यहां पर नेसीरिया मेनिंजाइटिस, जो यहां पर ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये फैलती हुई यहां पर नजर आती है। इसी के साथ में सडन फीवर, वोमिटिंग, हेडेक, ये बेसिकली हेटक जो आप लोगों को एक तरीके से हेडेक देखने को मिलेगा, न्यूसिया, बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों यहां पर निकल कर आती है जिसके बारे में समझ सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट अगर अर्ली ड्यूरेशन में नहीं किया गया तो ये कई सारे लोगों की जान तक लेकर जाती है। ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी 10 से 12% लोगों की जान चली जाती है। हमारा जो बेसिकली ब्लड है, ब्लड वाला एरिया, ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है उसके आसपास में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है जब ये बीमारी शरीर के अंदर में एंट्री करती है। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टार लगाने वाली बात है, हेल्थ के बारे में बात की जा रही है, गुजरात डिक्लेरेशन के बारे में। अभी रिसेंटली अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 जो है वो रिलीज की गई। तो फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है। ऑर्गेनाइज कराई गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और को चेयर की गई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, ताकि यहां पर वेरियस स्टेक होल्डर जो है उनको साथ में लेकर आया जा सके और कैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसके ऊपर हम लोग फोकस दे सके। 40% आज किट में जो मेडिसिन है वो नेचुरल चीजों से निकाल कर लेकर आते हैं। जैसे हल्दी है उसको अगर आप लोग इस्तेमाल करें, अभी मैंने फ्लैक्सीड के बारे में बात की, तो ओमेगा 3 है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। पर लेकिन उनके ऊपर कोई भी इंसान बोले कि यार मेरा अधिकार है तो वो गलत बात है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो WHO
ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन आप लोगों को देखने को मिलता है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो गुजरात में जामनगर के अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा अभी एस्टेब्लिश किया गया, ये इंडिया में फर्स्ट है दुनिया का, तो इसलिए आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं यहां पर कि हमारे देश के अंदर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेट किया गया, तो इसके लिए स्टार लगाना तो बनता है। फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल ये आउटपोस्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन आप लोग बोल सकते हैं। इंपोर्टेंट ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है, 88% ऑल द कंट्रीज यूज करती हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसी के साथ में इंट्रीगल रिसोर्सेज है हेल्थ के लिए फॉर द सेंचुरीज, और इसी के साथ में ट्रिलियन ऑफ डॉलर आप लोगों को यहां पर ग्लोबल हेल्थ की बात करते हैं। ब्यूटी इसी के साथ में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में 40% फार्मास्यूटिकल जो है वो यहीं से निकाल कर लेकर आते हैं। तो जो भी नेचुरल एक्सट्रैक्ट है यहां पर अगर उनको हम लोग ढंग से एक बार डिफाइन कर ले कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से क्या निकाल कर लेकर आते हैं तो उसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने है। सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल जिसको आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में यहां पर रखते हैं, इसने अभी इशू किया गया अलर्ट इन्फेक्शस जो डिजीज होती है कॉज बाय फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि फ्लैश ईटिंग है, बॉडी में कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन हो गया तो ये बैक्टीरिया आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकता है। जैसे पैर में कोई दिक्कत हो गई, कहीं पर जरा सा घाव मिल गया तो उसमें घुस जाएगा वो बैक्टीरिया और इसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। बेसिकली यहां पर बोला गया है इसको विब्रो विल्यूनिफिकस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीका बैक्टीरियल, ये एक जो इंसान की बॉडी में एंट्री करता है और काफी लार्ज स्केल पर फिर इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। अलर्ट इश्यू करने का मतलब है कि लोग इसको लेकर अवेयर रहें, जब भी आप लोग यहां पर ये बॉडी में देखिए आज की डेट में ना कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को देखने को मिले तो तुरंत आप लोगों को इलाज करवाना है, जरा सी भी कोताही आप लोगों को नहीं बरतनी है, पहली बात तो आप लोगों को ये ध्यान रखनी है वरना दिक्कतें देखने को आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। नीफा वायरस आउटब्रेक अभी आप लोगों को देखने को मिला जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में यहां पर अभी देखने को मिला ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में। नीफा एक जूनोटिक बीमारी है जो कि जानवरों से इंसान में फैलती है। हेनिपा वायरस जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, सबसे खतरनाक चीज ये है। सबसे पहली बार इसका जो आउटब्रेक हुआ वो मलेशिया में 1998 में हुआ, सिंगापुर में 1999 में, और इसी के साथ में फर्स्ट इन्फेक्शन हमारे देश के अंदर में कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर में देखने को मिला 2018 में, ठीक है। तो यहां पर ये हेनिपा वायरस जो है इसकी वजह से फैलती हुई ये बीमारी है। ये जो बीमारी है नॉर्मली माना जाता है कि इसका नीफा वायरस जो है ये फ्रूट जो एक तरीके से जो बैट है वो इसका नेचुरल एक आप लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल होल्डर है जिससे आप लोगों को चीजें यहां पर इंसानों तक फैलती हुई फिर यहां पर नजर आती है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो कुछ बातें आप लोग याद रखिएगा हमारे देश के अंदर में आज की डेट में सिलीगुड़ी में, इसी के साथ में यहां पर बेसिकली नादिया डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एरिया में इसके इन्फेक्शन भी अभी आप लोगों को देखने को मिले। पहली बार अगर बात करें इसे मैंने बताया फर्स्ट मलेशिया में और सिंगापुर में देखने को मिला था जहां से चीजें सामने निकल कर आई फिर यहां पर, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं और ये आप लोगों से क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हो, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उसको WFME रिकॉग्निशन मिल गया है। इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट जो है वो अब प्रैक्टिस कर सकते हैं विदेशों में जाकर भी। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहां पर मेडिकल फील्ड में डॉक्टरों के लिए काम करती है और यहां पर बेटर हेल्थ को कैसे अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं उसके ऊपर काम करती है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। 1972 में फाउंड किए गए यहां पर, हेडक्वार्टर आप लोगों का फ्रांस में जो बेसिकली देखने को मिलेगा इसका। फ्रांस याद रख सकते हैं कई बार सिटी के नाम भी आता है तो वोल्टेयर सिटी याद रखिएगा, फैनी वोल्टेयर, ठीक है। अभी यहां पर बात करें तो अगर इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात तो पब्लिक हेल्थ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो 7th शेड्यूल में संविधान के अंदर में स्टेट लिस्ट में रखा गया है हेल्थ को, यानी कि 7th शेड्यूल के अंदर में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें 7th शेड्यूल के अंदर में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जो कि बेसिक है और काफी इंपोर्टेंट है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तीनों की तीनों लिस्ट आप लोगों के सामने है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। एक होती है रेजुडरी लिस्ट जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं रखा गया उसको रेजुडरी लिस्ट में रख देते हैं, अवशेष लिस्ट बोल सकते हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी हमारे देश के अंदर में कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए, उसमें से एक इनिशिएटिव है एंटी तबैको वार्निंग।
एंटी तबैको वार्निंग मतलब तबैको को लेकर वार्निंग यहां पर इश्यू की गई ताकि तबैको जो है उसको सही से यहां पर एक तरीके से कंट्रोल किया जा सके। और बोला गया कि जैसे मूवीज के स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलता है कि तबैको पीना इंजूरियस है हेल्थ के लिए, वो कटा हुआ मुंह वाला जो दिखता है आप लोगों को वहां पर वो औरत और वो सारी चीजें दिखाते हैं, तो इसके चलते अभी बोला गया ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है इनके ऊपर भी ये वार्निंग आनी चाहिए ताकि लोगों को अवेयर कराया जा सके। तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर बोला गया ये काफी ज्यादा जरूरी है, इसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा क्योंकि हमारे देश में 267 मिलियन एडल्ट की जान जाती है, इसकी वजह से नियरली 1.3 मिलियन डेथ एवरी ईयर देखने को मिलती है ये बात करें तो, ठीक है। इसी के साथ में सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है हम चाइना की बात में अगर बात करें, 38% मैन और 9% वुमेन अबोव 15 यूज करते हैं तबैको, महिला भी कम नहीं है 10% ही गरीब है, ठीक है। हायर है गांव वाले एरिया में, आप लोगों ने गांव वाले एरिया में देखा होगा एक तो हुक्का पीते हैं बेसिकली पुरुष और कली पीती है बेसिकली महिला, यानी कि हुक्के का छोटा वर्जन होता है, किस किस को पता है इसके बारे में बताइए जरा। ये आप लोगों को देखने को मिलता है जो काफी लार्ज स्केल पर खासकर तबैको को टैकल करने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव, तो ग्लोबल जो बेसिकली फ्रेमवर्क कन्वेंशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर में भी यहां पर अडेप्ट किए जाते हैं इसको लेकर, और वर्ल्ड नो तबैको डे आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे देश के अंदर में क्या इनिशिएटिव है, सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट, ये है बेसिकली कोप्टा, ठीक है, कोप ये कोटपा, ठीक है। इसी के साथ में प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रोहिबिशन और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बारे में बात की गई थी ऑर्डिनेंस की, तो है 19 के नेशनल तबैको ये अभी यहां पर क्विट लाइन सर्विस स्टार्ट की गई यहां पर और एम सिटीजन प्रोग्राम चलाए गए ताकि इन चीजों को कंट्रोल किया जा सके क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान को लेकर डूबती है, तो बैलेंस बनाना हमारा काम है, तो इसके ऊपर स्टार आप लोग लगा सकते हैं। G20 डिक्लेरेशन की बात की गई तो हेल्थ के बारे में जब बात की गई तो बिल्डिंग रेजिलिएंट सिस्टम, स्ट्रेंथ करना कोऑपरेशन इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, क्रिएट करना प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग डिजिटल इनोवेशन और ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव के बारे में बात की गई, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग यहां पर चीजों को और अच्छे लेवल पर डिजिटल हेल्थ को लेकर चल सकते हैं, कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, ये बातें की गई। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है आज के में काफी इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ई संजीवनी, आयुष्मान भारत जो बेसिकली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और कोविन ऐप आप लोगों को बताइए, इनके ऊपर काम किया जा रहा है। अगर बात करें आज के डेट में हेल्थ केयर सिस्टम में तो मार्केट भी काफी देखी जा रही है, जैसे कि नहीं कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, बाहर से लोग कितना इलाज करवाने आ रहे हैं, कितने डॉक्टर का रेशियो देखा जाता है, कहां कहां पर डॉक्टर की कमी है, कहां कहां पर डॉक्टर की बेस्ट परफॉर्मेंस है, तो ये भी देखा जाता है देश के अंदर में कितने लोगों पर कितने डॉक्टर होने चाहिए। WHO के हिसाब से हर 1000 लोग पर एक डॉक्टर होना चाहिए, हमारे देश में हर 1500 लोगों पर एक डॉक्टर है, तो इसका काफी इंपॉर्टेंट ये फोकस करने वाली बात है। फाइनेंस कमीशन के द्वारा इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई हमारे देश के अंदर में कहां कहां पर क्या क्या चीजें, हल्का सा आइडिया रहेगा तो हेल्थ के बारे में कुछ लिखने के लिए आएगा तो आप लोग लिख भी पाओगे। यहां पर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी और इसी के साथ में एग्रीकल्चर के बारे में, तो एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के बारे में जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको हम लोग डायरेक्टली कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। हमारे देश के अंदर में पीएम गति शक्ति जो है वो टाइम टू टाइम आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलती है कि किस तरीके से कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, ये पीएम गति शक्ति के थ्रू आप लोग देख सकते हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी ये आप लोगों को देखने को मिलता है, इसके थ्रू यहां पर 6 पिलर है जिसके ऊपर काम किया जाता है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस देखी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, कई सारे शब्द ऐसे होते हैं ना यार, मतलब ना स्लिप हो जाती है ढंग उसमें, ठीक है, तो प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्टिमाइजेशन है, सिंक्रोनस है, इसी सिंक्रोनाइजेशन है, एनालिटिकल है और डायनामिक, एक तरीके से बोल सकते हैं कि चीजों को चेक करने की बात की जा रही है कि सारे सेक्टर में कौन कौन सा सेक्टर कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है, ये यहां पर कोशिश की जाती है पीएम गति के थ्रू यहां पर, यानी कि सबके लिए रोड मैप तैयार करना, कहां कहां पर क्या क्या इन्वेस्टमेंट चल रहा है, कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं, तो पीएम गति शक्ति देश को किस तरीके से हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं उसके ऊपर फोकस दिया गया, अलग अलग एरिया में कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर फोकस दिया गया, और कैसे देश को हम लोग जॉब क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस देने के लिए काफी कुछ यहां पर देश के अंदर में ये क्रिएट किया गया, ठीक है। तो इसके कई सारे कंपोनेंट हैं, जैसे मैंने आप लोगों को यहां पर अगर इस वाली स्लाइड में देखेंगे तो रेलवे को यहां पर उनकी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, नए एयरपोर्ट और हेलीपैड वगैरह बनाने हैं, रेलवे ट्रांसपोर्ट को और अच्छे से लेकर चलना है, रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करनी है, ये सारी चीजें हैं, ट्रांसमिशन नेटवर्क को किस तरीके से बढ़ाना है, 4G और 5G कनेक्टिविटी के बारे में भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है, इनसे सबसे लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलती हुई नजर आएगी ऐसा बोल सकते हैं। तो इकोनॉमी की एक्टिविटी बढ़ेगी तो लोगों को जॉब मिलेगी तो GDP बढ़ेगी, सारे इंटरलिंक आप लोगों को नजर आएंगे।
हमारे देश के अंदर में आप लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि बहुत सारे लोग जो हैं पैसा लेकर भाग जाते हैं और इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अभी आरबीआई ने यह बोला है कि अगर कोई इंसान ऐसी हरकतें करता है तो 6 महीने के अंदर में उसको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करो, ऐसा प्रपोजल दिया गया। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है, यानी कि अपनी इच्छा से जानबूझकर उस इंसान ने जो है ये डिफॉल्ट किया है। तो यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, ऐसा एसेट्स जो कि बैंक से मान लीजिए उधार ले लिया, अब यहां पर उसका इंटरेस्ट तो दूर की बात है, वो यहां पर मूल आने के भी चांसेस नहीं बचे हैं। मान लीजिए किसी इंसान को आपने 10,000 रुपए दिया, वो आप लोगों को हर महीने 500 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है, वो इंसान क्या करे, इंटरेस्ट तो देना बंद कर दे, इवन पैसा भी लेकर भाग जाए। तो यहां पर इस तरीके कंडीशन देखने को मिलती है। तो पैसा भी फंस जाता है तो उसको कैसे निकालना है, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी बाइक उठा लो, ठीक है, उसके घर में से मोबाइल उठा लो, तो ये काम किए जाते हैं फिर पैसा निकालने के लिए। तो इसकी वजह से बैंक जो होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है काफी लार्ज स्केल पर। एनपीए काफी ज्यादा देखने को मिलता है देश के अंदर में, तो टाइम टू टाइम उसके बारे में बातें की जाती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यही बोल रहा है कि यार इस चीज को कंट्रोल करो। अभी इसके लिए हमारे देश के अंदर में अभी लगभग काफी ज्यादा काम किया गया, निर्मला सीतारमन जी ने यहां पर अनाउंस भी किया था बजट के अंदर में कि कैसे हम लोग बैड लोन को कवर करने के लिए बैड बैंक बना रहे हैं। बैड बैंक बेसिकली तरीका था कि कैसे पैसे को रिकवर करना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को टाइम टू टाइम न्यूज में देखने को मिलती है। डायमंड एक ऐसी चीज है हमारे देश के अंदर में, अगर उसके ऊपर में उसको देखे, आज के दिन में सोना खरीदते हैं ले जाकर तिजोरी में रख देते हैं तो इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। डायमंड भी अगर हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी पर इम्पोर्ट आता है एक तरीके से। तो अगर हम लोग अपने ही देश में लैब ग्रोन डायमंड का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे तो काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में बात की जा रही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करते हैं, तो कई सारी बातें यहां पर किस तरीके से डायमंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की डेट में ये बात की जा रही है कि कॉन्फ्लिक्ट डायमंड ट्रेड किया जाता है, लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 2% ग्लोबल टोटल ट्रेड का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के अंदर अगर आप लोग इसको देखोगे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड जो है एक तरीका रफ डायमंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, जो यूज किया जाता है किसमें, एक तरीके से ना आप लोग बोलते हैं कि कई बार ना एक तरीके से जैसे डायमंड का इस्तेमाल है किसी पर्टिकुलर रीजन में कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर, कहीं लड़ाई हो रही है वहां पर पैसा पहुंचाने के लिए किया जाए, तो ये जरूरी है कि इसको यहां पर रोका जाए, ठीक है, क्योंकि सही तरीके से जो इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर सोसाइटी में उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा काफी ज्यादा। इसको लेकर काफी हाउला हुआ हमारे देश के अंदर में, जीएसटी लगाने की बात की गई 28% ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, और 1 अक्टूबर से ये स्टार्ट कर दी गई हमारे देश के अंदर में। ये जो जीएसटी है ये एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे देश के अंदर में, जो कि 122वां अमेंडमेंट बिल था और 101वां संविधान संशोधन हुआ फिर हमारे देश के अंदर में। आर्टिकल 246 स्टेट को पावर देता है कि टैक्स लगा सकते हैं आप लोग सर्विसेज, इन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, और 279 के तहत में यहां पर ये जीएसटी काउंसिल क्रिएट की गई। फ्रांस पहला देश था जिसने इसको इंप्लीमेंट किया गया और हमारे देश में 1 जुलाई को इंप्लीमेंट करते हैं। जीएसटी काउंसिल होती है जिसको हेड किया जाता है, चेयरमैन कौन है यहां पर, ये है फाइनेंस मिनिस्टर जो कि इसको हेड करते हैं। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, 2016 में इंप्लीमेंट किया गया हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों को देखने को मिलता है। यहां पर हम लोग बात करेंगे रबर के बारे में, और रबर में बात की जा रही है यहां पर बेसिकली ये कहां से निकलती है, लेक्स होता है जिसको हेविया ब्रासिलिनेसिस से बोला जाता है। हमारे देश के अंदर में कहां कहां पर रबर उगाई जाती है आज की डेट में अगर आप लोग बात करें तो कई सारे एरिया काफी इंपोर्टेंट है, जैसे केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। कॉफी के मामले मैंने डिस्कस किया था, यहां पर रबर की बात की जा रही है। मेजर प्रोड्यूसर थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना और इंडिया, और कंज्यूमर चाइना, इंडिया, यूएसए, जापान सबसे टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हमारे देश के अंदर में पहली बार केरला के अंदर में यहां पर बेसिकली काम किया गया था रबर के लिए, ये 1902 में अंग्रेजों के द्वारा। नेचुरल रबर में हम लगभग 5वें-6वें नंबर पर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, हमसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन कौन है, 5वें नंबर पर बेसिकली थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और चाइना, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिर हमारा नंबर आप लोगों को यहां पर नजर आता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी अगर बात करें रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम, रबर जो ग्रुप प्लांटेशन स्कीम 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है कैसे इसको बढ़ाना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में यहां पर ये आता है। हेडक्वार्टर केरला में है। कॉफी का हेडक्वार्टर कहां पे था ये आप लोगों को बताना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आते हैं तो कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। हमारे देश के अंदर में जो प्रोजेक्ट चीता था वो अभी 1 ईयर जो है वो कंप्लीट कर चुका है, तो उसका एनालिसिस किया जा रहा है। चीता जो है अभी रिसेंटली कई सारे चीता हमारे देश के अंदर में लाए गए साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से, पर लेकिन कई सारे चीता की डेथ भी हो गई। अगर इसके बारे में आप लोग बात करें
हमारे अगर बात करें आज की डेट में पृथ्वी के ऊपर अफ्रीकन और एशियाटिक चीता देखने को मिलते हैं। ये वनरेबल है अफ्रीकन और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ये अपेंडिक्स वन में रखे गए हैं दोनों, यहां पर आयुषियन और सीआईटीएस के अंदर में। डिस्ट्रीब्यूशन आज के डेट में देखोगे एशियाटिक चीता का, अगर आप लोग बात करते हो तो मेनली आप लोगों को ईरान के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर ये देखने को मिलते हैं। हालांकि लार्ज का मतलब 40-50 है, इसके अलावा और कहीं नहीं है, पर अफ्रीका के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर अफ्रीकन चीतन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कुनहू नेशनल पार्क के अंदर में, हमारे देश के अंदर में इनको लाया गया और काफी लार्ज स्केल पर इनका एनालिसिस किया गया, तो कई सारी डेथ भी अभी होती हुई नजर आई। तो इसके बारे में बात की जा रही है। रीइंट्रोड्यूस चीता प्रोग्राम ऐसा नहीं कि आज का है, पहला ही है जब हमारे देश में से चीता खत्म हो गया था। टाइम टू टाइम कई बार ट्राई किया गया कि यार इंट्रोड्यूस करते हैं, अब जाकर इनको इंट्रोड्यूस किया गया और अभी एनालिसिस चल रहा है कितने जीप आते हैं, कितने आगे लेकर चल पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। पुराने टाइम पर अगर आप लोग देखें तो चीता अच्छे खासे हमारे देश के अंदर में पाए जाते थे, ठीक है। आप लोग देखते हैं 1932 में, 1967 में, पर लेकिन राजा रजवाड़ों ने अपने शोक के चक्कर में बहुत सारे चीता जो है खत्म कर डाले। दुनिया में आप लोग यहां पर देखते हैं चीता की संख्या, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है हमारे देश के अंदर में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 1973 में, ये आप लोगों को याद होगा टाइगर प्रोजेक्ट। ये यहां पर कई बार मैं बताता हूं, टाइगर केस, केशवानंद भारती भी केस इसी टाइम पर आया था। हमारे देश के अंदर में जो ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं, ये WWF वर्ल्ड वाइड फंड के साथ मिलकर काम किया जाता है, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून के अंदर में है वो यहां पर इसके लिए काम करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आते हैं। G20 का दिल्ली डिक्लेरेशन निकल कर आया, ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में बात की गई, एक्शन प्लान ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी के साथ में रिफॉर्म करना, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट, ये कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिली जो कि याद रख सकते हैं। अभी लग नहीं रहा था कि इस तरीके से चीजें आसान होंगी, पर लेकिन हम लोग निकाल कर लेकर, बाकी 5 प्लेज हमने ली थी यहां पर, ये आप लोगों को पता है कहां पर ली थी आप लोग बताइए। 2070 तक का नेट जीरो एमिशन हम लोगों को करना है, ठीक है। इसी के साथ में नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जो है वो हम लोग को इंक्रीज करनी है 500 गीगावाट 2030 तक का। 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी, और इंडिया रिड्यूस करेगा टोटल प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है 1 बिलियन टन 2030 तक का रिड्यूस करेगा। 2030 तक का इंडिया रिड्यूस करेगा कार्बन इंटेंसिटी, 45 थी पहले, 35 थी और बढ़ा दी थी, तो इस तरीके समझ सकते हैं। नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता कि कार्बन बिल्कुल नहीं निकलेगा, इसका मतलब है कि जितने पेड़ काटे उतने ही पेड़ लगा दो, ऐसा बोल सकते हैं। चाइना ने बोला 2060, यूएसए ने बोला 2050, इंडिया ने बोला 2070 तक का हम चीजों को कंट्रोल करेंगे, पर कितना करेंगे वो टाइम पे पता चलेगा आने वाले टाइम में। बात करते हैं साइंस एंड टेक के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर बात की जा रही है सनशाइन मूवमेंट फॉर इंडिया सोलर मिशन, हमारे द्वारा लॉन्च किया गया ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा मिशन था, जिसका आदित्य L1 नाम आप लोगों को याद रखना है, और L1 था लैग्रेंजियन पॉइंट, जहां पर जाकर बेसिक हम जो यहां पर रखेंगे अपना सिस्टम को, जिसके बेसिस पर चीजें जो है वो आगे चलेगी। PSLV जो है हमारे देश के अंदर में काफी इंपॉर्टेंट एक ऐसा व्हीकल है जो कि देश के अंदर में शानदार तरीके से काम करता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम जिसको देते हैं हम लोग यहां पर। ये हमारे पास में व्हीकल है जिनका इस्तेमाल हम लोग टाइम टू टाइम करते हैं। SLV था पहले, फिर ASLV हो गया, फिर PSLV हो गया, फिर GSLV, और आज के डेट में GSLV Mark 3 आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छे लेवल पर काम करता है। इसमें ये एक ऐसे आज के डेट में व्हीकल है जो कि हमारा नाम जो है वो स्पेस में रोशन कर रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, तो काफी शानदार है यहां पर ये। बाकी मैंने आप लोगों को यहां पर एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में बताया था, याद रखना है यहां पर मार्स और जुपिटर के बीच में आप लोगों को यहां पर एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिलती है, और ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो याद रख सकते हैं। बाकी यहां पर डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में बात की जा रही है। डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट हमारे देश के अंदर में 1 अक्टूबर से इंप्लीमेंट किया गया अभी रिसेंटली। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास में होना चाहिए अगर इंसान को ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट जॉब, आधार कार्ड में बेसिकली रिक्वायरमेंट, पासपोर्ट में रिक्वायरमेंट, वोटर इनरोलमेंट में रिक्वायरमेंट, तो इंसान का एग्जैक्टली बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कौन इंसान की डेथ हो चुकी है तो वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि तभी यहां पर बहुत सारी स्कीम चल रही होती है इंसानों के नाम पर, उनको बंद किया जाएगा। तो इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है एक एक्ट के थ्रू लाकर, जिसको रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ यहां पर बोला गया डिजिटल सर्टिफिकेट का नाम देते हुए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाए तो कंफ्यूज आना कतई नहीं है, ठीक है।
देश का जो मिशन है पहला, ये ऐसा मिशन है, अभी आप लोग देखते हैं आसमान में जाने की बात की जा रही है, इसी के साथ में समुद्र में जाने की बात की जा रही है। तो मत्स्य 6000 यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश के अंदर में। अभी मिशन लॉन्च किया जा रहा है कि जमीन के अंदर बेसिकली पानी के अंदर में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मत्स्य 6000 का इस्तेमाल किया जा रहा है जमीन के अंदर में एंट्री करने के लिए। हमारे देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के अंदर में है, जो यहां पर समुद्र यान के ऊपर काम किया जा रहा है। यूएसए, रसिया, जापान, फ्रांस, चाइना ओनली देश है। छठे नंबर पर हम जो है जो यहां पर लगभग 5000 से लेकर 6000 मीटर तक यहां पर हम लोग पानी के अंदर जाएंगे। 12 घंटे तक नॉर्मली रहना है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, 16 घंटे भी ये देखने को मिल सकता है अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है। उसके लिए सारी तैयारी कर हम लोग यहां पर जा रहे हैं। समुद्र के अंदर में क्या क्या रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हम लोग खोजेंगे और बहुत सारी और भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये मिशन जो है हमारे देश के लिए, जो खासकर ब्लू इकोनॉमी है, उसमें काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। डिफेंस के अंदर अगर हम लोग बात करें, साइंस एंड टेक से रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है Y12654 महेंद्र गिरी। तो याद रखेंगे यहां पर 7th और लास्ट हमारे देश का ये लड़ाकू जहाज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो 17A प्रोजेक्ट के तहत यहां पर हमारे देश के अंदर में लाया गया। महेंद्र गिरी जो है वो एक काफी ऊंचा, एक आप लोग पीक बोल सकते हो, उड़ीसा के अंदर में ईस्टर्न घाट के अंदर में डेवलप किया गया यहां पर मजगोंग डॉकयार्ड शिप लिमिटेड के द्वारा। और यहां पर ये इसके अंदर में वेपन सेंसर लेटेस्ट चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो इसमें बोला गया था कि 7 हम लोग यहां पर ऐसे अपने शिप बनाएंगे, जो कि यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला INS नीलगिरी, दूसरा INS हिमगिरी, तीसरा INS उदयगिरी, चौथा INS दुनागिरी, पांचवा INS तारागिरी, छठा INS विद्यागिरी, सातवा है INS महेंद्रगिरी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे याद रख सकते हैं। 75% जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे इंडिजिनस है यहां पर ये, ठीक है। और बेसिक इंपोर्टेंट क्या है कि हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हो। एक्साइज युद्ध अभ्यास 2023 इंडिया और यूएसए की आर्मी के बीच में अलास्का वाले रीजन में यहां पर देखने को मिला। यूएसए के साथ में ऐसा नहीं है, पहला ही एक युद्ध अभ्यास है। वज्र प्रहार देखने को मिलते हैं आर्मी का, नेवी का मालाबार, एयरफोर्स का कोप इंडिया, रेड फ्लैग, कई सारी एक्साइज है। और इसी के साथ में थीम क्या थी, यहां बात की जा रही है इंप्लॉयमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इन ए माउंटेन और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। तो कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर ऑपरेट कर सकते हैं, इसका बेसिक तरीका यहां पर खोजा गया है एक्सट्रीम सिचुएशन में। इंडियन नेवल शिप जो है सबमरीन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एक तरीके एक्सरसाइज है जिसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नाम है यहां पर सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज है। सिम्बेक्स 2023 कंडक्ट की गई कहां पर, सिंगापुर के अंदर में। और जो यहां पर ये किनारे पर भी रहती है, यानी कि कुछ दिनों तक तो यहां पर कोस्टल एरिया में, और फिर समुद्र के अंदर जाती है, ठीक है। दोनों के अंदर में यहां पर अगर बात करें, बोल्ड क्रूज क्षेत्रा आर्मी की है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एयरफोर्स की है, और ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जो यहां पर आप लोगों को सिम्टैंक्स देखने को मिलती है वो थाईलैंड के रिलेटेड है, ठीक है। तो कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। हमारे देश के अंदर में एयरफोर्स ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा को चेयर किया गया भारत ड्रोन शक्ति 2023 यहां पर। लोकेशन कहां थी, उत्तर प्रदेश के अंदर में जो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर देखने को मिला। होस्ट किया गया इंडियन एयरफोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया का। फोकस ये था कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, फायर फाइटिंग में, कहीं पर सर्विलेंस करने में, तो बहुत सारी जगह हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर अगर देखें 75 ड्रोन स्टार्टअप जो है कॉर्पोरेट वो पार्टिसिपेट यहां पर कर रहे थे। प्रमोट कैसे किया जाए ड्रोन की इंडस्ट्री को हमारे देश के अंदर में, ये फोकस था, तो इसके ऊपर सारी चीज देखने को मिल रही है, ठीक है। मेहर बाबा स्वर्ण ड्रोन कॉम्पिटिशन भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, जो कि लॉन्च किया गया था 2018 में। ये भी ऐसी चीजें हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग सही डायरेक्शन में चीजों को लेकर चलना चाहते हैं, तो बेसिक है आगे बढ़ने के तरीके। हमारे देश की कोस्ट गार्ड जो है उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया एशियन मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो कि इस्तांबुल के अंदर में आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि जापान के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मेंबर कंट्री पाकिस्तान भी है, याद रखना। 18th एडिशन जो था 2022 में, 8वां संस्करण वो न्यू दिल्ली में हुआ था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से पूछे जाए तो कंफ्यूज आना नहीं है। आईफोन 15 जो है जब लॉन्च किया गया तो ये पहला आईफोन है जिसमें नाविक सिस्टम एज ए जीपीएस के तौर पर ऑल्टरनेटिव दिया गया है। अब तक आप लोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो कि यूएसए का था वो इस्तेमाल करते थे, पर नेविगेशन विद इंडियन कंस्टिलेशन जिसको नाविक बोलते हैं, IRNS बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जीपीएस यूएसए का है, गोलनास रशिया का है, गैलीलियो ये यूरोपियन यूनियन का है, बाइडू ये चाइना का देखने को मिलेगा, नाविक ये आप लोगों को इंडिया का है, और QZSS ये आप लोगों को रीजनल जापान के देखने को मिलेंगे।
ये इस काफी फायदा है, हम अपने देश के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी हटेगी इससे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। हिस्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, जिनके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है कर्नाटक के अंदर में जो होशियाला, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एंट्री की गई। होशियाला जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ये होशियाला टेम्पल है, 12वीं और 13वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया। ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेंगे थ्री कंपोनेंट, एक तो यहां पर बेलूर, इसी के साथ में हेलबेड और इसी के साथ में यहां पर सोमनाथपुर, तीन टेम्पल है यहां पर। इसके बारे में बात करें तो चेन्नकेश्वर टेम्पल, इसी के साथ में होशियालेश्वर टेम्पल और केशव टेम्पल, जो डेडिकेटेड टू है शिव और विष्णु जी के लिए यहां पर, और इसी के साथ में जैन फेथ भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। होशियाला टेम्पल जो है वो द्रविड़ियन जो आप लोगों के स्टाइल में देखने को मिलता है नॉर्मली, और इसी के साथ में यहां पर सेंट्रल इंडिया के अंदर में इनको यहां पर इंक्लूड किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में अगर हम लोग बात करें बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसमें ओरल परफॉर्मेंस, सोशल प्रैक्टिस, रिचुअल नॉलेज प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल, कई सारी कैटेगरी में आते हैं। इंडिया की 14 इनटेंजिबल कल्चर हैं जिनको टच नहीं किया जा सकता और टेंजिबल जिनको टच किया जा सकता है, ये रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी में एक आता है क्रिएटिव सिटीज, नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज, इसमें हमारा जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई देखने को मिलते हैं, तो स्टार लगा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से अगर पूछा जाए इसके बारे में, मुंबई भी यहां पर इसके अंदर इंक्लूड किया गया और हैदराबाद भी, ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यूनेस्को कहीं ना कहीं एक अच्छा क्वेश्चन आप लोग यहां पर बना सकता है अब की बार। ये भी इंटरेस्टिंग है, तमिलनाडु का जो सो टेम्पल है वो फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट बन गई यहां पर, जो कि ममल्लापुरम तमिलनाडु के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिव जी को, ठीक है। तो ये बनाया गया था यहां पर नरसिम्हन वर्मन के द्वारा, जो कि यहां पर जिनका राज्य सीमा, ये आप लोगों को पल्लवा रूलर भी बेसिकली इनको बोला जाता है। ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी रोकट टेम्पल में, खासकर ममल्लापुरम ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है 1994 से, तो इसलिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोगों को कंफ्यूज आना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे एग्जाम के अंदर। अभी यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई ऑपरेशन पोलो और ऑपरेशन पुलिस एक्शन हैदराबाद के लिए। तो याद रखना, जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो उस टाइम पर कुछ एरिया ऐसे थे जो कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, गलती उनकी नहीं है, गलती अंग्रेजों की है, उन्होंने ऑप्शन दिया इंडिपेंडेंट रहने का। बच्चा अगर बिगड़ रहा है तो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की होती है, उन्होंने फोकस नहीं दिया, ठीक है। तो ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं पुलिस एक्शन बोला जाता है हैदराबाद के खिलाफ, जिसमें काफी लार्ज स्केल पर यहां पर बोल सकते हैं आप लोग यहां पर चीजों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की गई। वरना सोचो देश के अंदर में हैदराबाद एक पाकिस्तान डोमिनेटेड एरिया अगर बन जाता तो कितनी बुरी कंडीशन देखने को यहां पर मिलती। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, और फिर आसानी से यहां पर ट्रांजिशन भी हो गया, और फिर यहां पर सारी सिस्टमेटिक वे में चीजें आगे बढ़ी यहां पर, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से। तो ये है बेसिक, ये है निजाम साहब हैदराबाद के, जो कि आप लोग यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो बुढ़ापे में नहीं, एक पैर कबर में, दूसरा केले के छिलके पर, फिर भी सुधर नहीं रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत रत्न पुरस्कार अवॉर्डी, ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने देश को यूनाइट किया, और बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो सैल्यूट है यार ऐसी पर्सनैलिटी को। इसलिए 31st जो अक्टूबर है वो नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है यहां पर, लोकेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है। अभी रिसेंटली यहां पर एक पर्टिकुलर रिवर जिसका नाम था भागमती रिवर बिहार के अंदर में न्यूज में रही, क्योंकि यहां पर कई सारी एक बोट थी यहां पर बच्चों को ले जा रही, उसमें बेसिकली डूब गई और कई सारी जाने भी गई यहां पर। भागमती रिवर ये नेपाल और इंडिया से होकर गुजरती है, ये शिवपुरी हिल जो आप लोगों काठमांडू वहां से निकलकर आती है और इसी के साथ में फिर आगे चलकर देखने को मिलती है। इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरी भी है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये रिवर जो है ये इंटरनेशनल ट्रांस बाउंड्री रिवर है, तो इसलिए क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है लिथियम कश्मीर में देखने को मिला था, तो गुजरात में वेनेडियम आप लोगों को देखने को मिला। वेनेडियम वी सिंबल से प्रस्तुत किया जाता है, ये गल्फ ऑफ खंबात के अंदर में लोकेशन आप लोगों के सामने निकल कर आई, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकते हैं, और इतना लार्ज स्केल पर बताया कि आने वाले टाइम में दुनिया को एक्सपोर्ट तक हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। फिलीपीन और चाइना के बीच में रस्सा कसी हुई यहां पर, तो लोकेशन क्या थी, साउथ चाइना सी। तो फ्लोटिंग बैरियर लगाए गए चाइना के द्वारा, जिसको फिलीपीन ने हटा दिया और दिक्कतें यहां पर देखने को मिली, और सारी की सारी हरकतें 9 डैश लाइन के आसपास में आप लोगों को यहां पर नजर आई, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में था। साउथ चाइना सी एग्जैक्ट लोकेशन है यहां पर, स्पार्टली आइलैंड देखने को मिलते हैं।
फिलीपीन का एरिया है, पर लेकिन ये अपने कंट्रोल में उसको रखने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिली। इसलिए यहां पर कई बार जो है इन देशों की आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके साथ में बनती नहीं है और ये अपनी दादागिरी चलाता है। इसलिए जहां भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहते हैं इंडिया भी उसका पार्ट रहे। तो ये इसके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, फीडबैक जरूर देना। मैं ऐसा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी होता बताना, उसको दूर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।